औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं बहाव द फ्लो। मेरे साथ हैं मानचेस्टर से मसरूर भाई, कराची से हसनैन भाई और सूफी गार्डन स्टूडियो से शाह साहब। और बहाव का प्रोग्राम है, बहुत सी बातें जो हैं वो हम कर रहे थे लास्ट टाइम अहद व समद के बारे में, थोड़ा सा उसको आगे चलाएंगे, लेकिन बहुत से न्यू टॉपिक्स हैं जो मेंबर्स ने भेजे हैं और जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो उन पे भी बात करेंगे। लेकिन फॉर्मेट जो है वो सेम उसी तरह रहेगा जैसे हमेशा से रहता है कि पहले करंट अफेयर्स पे बात होगी, उसके बाद कुछ अदद के हवाले से दो चार सवालात हैं वो पूछे जाएंगे और शाह साहब उसका भाव की रोशनी में जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो शाह साहब, मसरूर भाई अस्सलाम वालेकुम, हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के? जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई, अस्सलाम वालेकुम हसनैन हसनैन भाई, भाई। आप हैं करीब? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था मुझको। ठीक अच्छा। रजा भाई कैसे मिजाज है, जी, खैरियत ठीक से? ठाक मसरूर भाई, फर्स्ट क्लास एज नॉर्मल एज यूजुअल। अच्छा भाई, अच्छी खबर तो ये है कि हर जगह पे वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन रेट ऑफ कोरोना इज डाउन, शुक्र। मगर एक जो मैसेज जो आ रही है वो ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया से शुरू हुआ था, उसका भी म्यूटेशन हो गया है उसमें, और उसको इन्होंने नेम दिया है डेल्टा प्लस। अब ये डेल्टा प्लस जो है ये काफी नुकसानदेह है, डेल्टा से भी ज्यादा तेज है। तो अब ये कई जगह कई मुल्कों में ये फैल चुका है, और यूके में भी आ गया है और कई जगह चला गया, और इंडियन गवर्नमेंट भी परेशान है। साइंटिफिक जर्नल वाला कह रहे हैं कि अभी इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि इससे कितना नुकसान, कितना ज्यादा नुकसानदेह है ये। तो जरा सा मुझे बहाव में बताएं कि ये वैक्सीन लगने के बाद इतना काम इन क्वाइट हो गया, अच्छा सब चीज प्लस जा रही थी, अब ऊपर से एक ये चीज आ गई, क्या आपको लग रहा है स्टिल कि वो जो आपने क्वेश्चन कोई की थी, आपने बहाव में बताया था कि सितंबर तक हो सकता है कि हम लोग फिर एक और लॉकडाउन में चले जाए, ये लग तो कुछ ऐसे ही रहा? यस, लॉकडाउन तो आना है। लॉकडाउन तो इंटरमीडिएट टाइम के साथ साथ हो सकता है कि आए बार बार। हाँ, ये तो आपने कहा था। हाँ, हाँ वो इंटरमीडिएट हो सकता है, भाव में कोई डेफिनेटिव वो नहीं है, लेकिन वही बात मैं दोबारा करूँगा, सितंबर अक्टूबर में मुझे लॉकडाउन नज़र आ रहा है दोबारा, अच्छा ऑन द लार्ज स्केल। यूके की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया का मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन यूके में क्योंकि आएगा। सब जगह ये डेल्टा प्लस जो है ये काफी जगह कंट्रीज में फैल चुका है, और अब इससे काफी साइंटिफिक वर्ल्ड जो है वो काफी परेशान है कि इसमें इलाज है इसका, वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कितना करेगी। तो एक तो चीज अच्छा ये है। दूसरी चीज जो रिसेंटली इस हफ्ते में हुई है वो ये हुई है कि जरा सा पाकिस्तान के हमें हालात बताएं आप मुझे। आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अमेरिका को कुछ वो अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, तो उनको कुछ एयर बेसिस चाहिए थी टू टू डू देयर जॉब, उस पर इमरान खान ने उनको मना कर दिया। तो आपको कुछ लगता है कुछ इंडिया सॉरी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कोई कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काफी हाई अलर्ट पे हो गए हैं, सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज ऑन हाई अलर्ट, इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो वो नेक्स्ट मंथ तो अमेरिकन छोड़ देंगे अफगानिस्तान, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर तालिबान ऊपर आ जाएंगे, फिर देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर इमरान खान। ये दोबारा वही झलक है, मैं वही बता दूं कि दोबारा जो है कि कुछ होने जा रहा है और ये होगा सितंबर अक्टूबर तक, और पाकिस्तान की हद तक होगा, मतलब उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा पाकिस्तान की हद तक, इंटरनल कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी विद हो द सकता है। बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। हाँ, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। देखिए मसला, मैं एक बात बता दूं कि कि चेंज आ जानी चाहिए थी हुकूमती सतह पर, ना हुकूमती सतह पर चेंज आ जानी चाहिए थी। अगर चेंज नहीं आती तो ये होगा कि डिस्टेबलाइजेशन जिसे कहते हैं कंट्री में, वो जी क्रिएट हो जाएगी। भाई एक आदमी नहीं मांगता कि मैं यहाँ बैठूं, तो क्या होगा, यहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी।
तो ये वही चक्कर है डिस्टेबलाइजेशन। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो क्या कहते हैं इमरान साहब का, साहब को ख़तरा है। ये तो नहीं कह सकते कि ख़तरा नहीं है, मगर ये भी नहीं कह सकते फॉर श्योर के ख़तरा है, मगर कुछ तो है, देर इज़ समथिंग देर, देर इज़ समथिंग देर विच विच अल्लाह ही खैर करे बस। और अल्लाह ताला यानी कि इमरान खान साहब को अपने अम्ब्रेला में रखे, हिफाजत में, हिफ्ज़ अमान में रखे, ये चीज़ है। इमरान खान के ऊपर, अगर इमरान खान के ऊपर अगर खतरा है तो इसका मतलब फिर आर्मी के ऊपर भी खतरा है। नहीं, इमरान खान बेसिकली आर्मी है, सच यू कांट से के खतरा है। आर्मी का यही होगा कि जी वो चीफ बदली करा देंगे अगर इमरान खान हट गया, अपने आदमी मर्जी से बिठा लेते हैं। ये तो मशहूर चीज़ है पाकिस्तान में, हुकूमत चलती ट्रिपल ए से, एक अल्लाह, अमरीका और आर्मी। जी, पाकिस्तान का तो ये उस जमाने में ट्रिपल ए कहलाता था, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, तीन चीजें जो है वो मशहूर बात थी ये पुराने, अब पता नहीं क्या है लेकिन अब भी ऐसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये मामला है, लेकिन इमरान खान भी एक लाउड लाउड वाइब्रेंट, ही इज, देयर इज अ इमिनेंट थ्रेट, ही इज अ इमिनेंट थ्रेट। वैसे रजा भाई ये बताइएगा, ये बताइएगा बहाव में कि जो आप बता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में क्या मतलब हुकूमत तब्दील होने का मसला है और दिख रहा है आपको कि इमरान खान के विदाउट हुकूमत तब्दील कर दी जाए, या इमरान खान नहीं है हुकूमत, है इमरान खान नहीं है, वो तो इन हाउस चेंज हो जाएगी। इन हाउस चेंज में इमरान खान सिर्फ उस वक्त जाएगा हुकूमत से जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो, वरना इमरान खान जाने वाला आदमी नहीं है उस तरह ना, यानी कि हाँ आपको आपको बड़ा आपको आपको बहाव में बड़ा इंसिडेंट बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक कोई बड़ा इंसिडेंट नज़र आ रहा है, अल्लाह ना करे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वेरी चेंज होती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि चीज़ ये कि एक बात याद रखें कि इमरान खान को बिठाया गया था, अब ये बोलें कि जी आर्मी ने बिठाया था, लेकिन जिसने भी बिठाया था बैठाया गया था, उस ज़माने की बात है जब इमरान खान आ रहा था, कह रहे हैं इसको हम बिठा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 years ago जब इलेक्शन हो रहा था। बट द प्रॉब्लम इज के उसके टोले, उसके साथ जो लोग हैं वो उस तरह के नहीं है जैसे इमरान खान है, यही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, वरना आदमी में खराबी नहीं है कोई, आदमी में कोई खराबी नहीं है, टीम में खराबी है, टीम में खराबी है, टीम में खराबी है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट इलेक्शन आप बहाव में देख रहे हैं कि जैसे बात यहाँ पर रूमर ये है कि शायद नेक्स्ट इलेक्शन की बारे में अमेरिका से भी बातचीत की जाए कि भाई अगर ठीक है आप सपोर्ट करें हमको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो अफगानिस्तान के मामले में बातचीत करते हैं या मामला करते हैं, तो वो यही होगा, इसके बगैर तो होता नहीं है ना। इलेक्शन पाकिस्तान होता है, सिलेक्शन जो है वो लैंगली होती है इनकी, ठीक है ना, इलेक्शन पाकिस्तान होता है, सिलेक्शन लैंगली होती है, ये मसला है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है जी जी, वो नेक्स्ट जो है वो सवाल ये था कि 2 वीक पहले आपने बताया था कि 1 अदद का टाइम भारी आ रहा है आगे, तो क्या वो आ चुका है? आ चुका है या अभी आ चुका है? आ चुका है, आ चुका है, ठीक। 1 नंबर के अदद का भी आ गया है, 7 का भी भारी है, 4 का जो है अभी मैंने पहले भी कहा था कि सदका दे दें, जो हैं अभी भी सदका दे दें, क्योंकि कल रात से जो है वो अदद ने मारा है फेरा या पलटा कह लो उसको, और एकदम से जो है ओवरनाइट सुबह तक जो है ना कुछ हो रहा है। 4 का जो है भारी है, 7 का भारी है और 1 का लाजमी भारी है, ठीक। एक को बेसिकली एक को जान का खतरा है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, तमाम इल्म जो है ना सदके खैरात का, ये अदद के अंदर बंद है, ठीक। बस इसके अंदर आपको जो है क्या कहते हैं उसको पता होना चाहिए कि कौन सा अदद भारी आ रहा है या कौन सा आ गया है, आ गया तो सबको पता चलता है
जो इल्मुल आदात के मास्टर है, हसनैन भाई भी इस पे बात करेंगे, लेकिन जो आ रहा है इसका पता सिर्फ उनको चलता है जिनके पास इनलाइटमेंट होती है या रोशनी होती है कि वो देख सकें आगे। क्या बात, ये चीज है तो। लेकिन लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, इतने सारे टीवी पे बैठते हैं सब, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि अगला टाइम जो है इस टाइम पे अदद के हवाले से आ रहा है। सितारों का सब बता देते हैं जी, क्योंकि सितारों का मसला ये है कि वो इजी होता है, अदद का जो है उसके लिए रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि ये मौलाए कायनात का इल्म है ना, ये इल्मुल आदाद मौलाए कायनात का इल्म है। हाँ, ये चीज है कि यू हैव टू हैव दैट इनसाइट या द विजडम टू सी, यू हैव टू बी द वाइज टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दो दो अदद का आप कह रहे थे कि चेंज आ रहा है, मतलब कि एक तब्दीली आ रही है। हाँ, दो नंबर की चेंज आ रही है, अभी पता चल जाएगा, अभी मैटर ऑफ टाइम है, अभी पता चल जाएगा, मैटर ऑफ टाइम है, खबर आएगी टीवीओं पे सब जगह ना, दो नंबर का चेंज आ रहा है, दो नंबर का चेंज आ रहा है। ठीक। और बाकी आठ और नौ का तो आपने कहा था, वो नौ वाले भी सदका दे दें, वो आपने दो वीक पहले कहा था। हाँ, नौ वाले वैसे सदका दे दें, आठ वालों का तो टाइम चल ही रहा है, वो उसको हसनैन भाई की कमर दर अकरम में आए हुए, पता है किस अजाब में आए हुए, आठ नंबर का अदद वो खत्म ही नहीं होके दे रहा, वो चल सो चल है अपनी जगह ना। असल में वो जो जो रजा भाई बात कह रहे हैं ना, बुनियादी तौर पे बात ये है कि आठ नंबर का अदद जो है ना, वो एक तो स्याह रंग के साथ अटैच है, मौत का भी आठ है और जुहल का भी आठ है, और ये जो साल लगा है, ये जो अब साल कमरी साल लगा है, इसका हाकिम जो है ना इस साल का, वो भी जुहल है, ब्लैक कलर है। तो वो हर चीज को ना, मतलब जिनका आठ अदद होगा या जिनका, मैं वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर, मैं कोई फल्कियात का मायर नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर, क्योंकि देखें हर इल्म जो है वो दूसरे इल्म के साथ जो है नथी हुआ हुआ है, एक चेन है ये छोटी छोटी ना, सदका खैरात ज़कात इल्मुल आदाद सैयारा सितारा वक्त, वक्त देखें वक्त बुरुज के साथ है ना, सूरज की गर्दिश के साथ है ना, दिन और रात के साथ है। जी जी। तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर जिनका अदद आठ होगा या जिनका स्टार जो होगा वो सैटर्न होगा, जैसे मेरे ख्याल में आई थिंक कैप्रिकॉर्न का या सेक्रेटेरियस वगैरह का जो होता है हाकिम सैयारा, वो जोहल होता है, उनकी हर चीज भारी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये साल ये जो नवरोज हुई अभी ये हो गई है जोहल की, काली हो गई, सही, तो वो लंबा खींचेगा, बीमार लंबे पड़ जाएंगे लोग, क्योंकि इसका वक्त की मार का, एक दफा मेरी शाह साहब से बात हो रही थी, उसमें दो रजतें बड़ी, वो कमर दर अखरब की होती है, उसके अलावा जोहल की रजत होती है और मिर्रिख की रजत होती है। तो एक दफा मैं वजीफा कर रहा था, उसके अंदर गाइडेंस हुई, तो मैंने उनको बताया रात को कि भाई ये गाइडेंस हुई है, तो वो मुझे बात बताने लगे, कहने लगे वक्त की अगर मार लग रही है ना किसी आदमी को, तो वो ना किसी तावीज से दुरुस्त होती है ना किसी गंडे से दुरुस्त होती है, वो सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से दुरुस्त होती है, दुरुस्त भी नहीं होती, बेसिकली न्यूट्रल कर देता है वो आपको खुद को। सही। मतलब वो समझ लें कि बारिश हो रही होगी, लेकिन आपने वो बरसाती पहन ली होगी और भीगोगे नहीं, ले रही होगी अपने, भीगोगे नहीं, भीगेंगे नहीं, बस बच जाएंगे आप। वो अल्लाह का नाम लेने से मामला होता है, वो कोई ताब, मैंने पूछा उनसे कि फलाना नक्श काम करेगा फलाना, तो उनसे नकुशात की बात बात होती थी, तो वो कहने लगे नहीं, इसके अंदर वक्त की मार अगर आ रही है ना, तो वो तिलावत करने से दूर होगा, वो तावीज से इससे सेटल नहीं होता। नक्श का मैं एक बात बता दूं हसनैन भाई को, मैं तकरीबन वैसे तो बचपन से देखते आ रहे हैं ये सारे इल्म और नक्श और तावीज़ और गंडा और वो वजीफे ये वो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा नक्श नहीं देखा कि आदमी ले के कैरी कर रहा हो या रख रहा हो, मैंने ख़ुद भी बड़े तजर्बात किए हैं इसके ऊपर, कि वो तिर गया हो सिर्फ नक्श से, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बोले मेरे पास ये है और मैं इस मंजिल से इस मंजिल पे इस नक्श की वजह से पहुँचाऊँ। पढ़ने की वजह से तो मैंने खुद आई एम ए प्राइम एग्जांपल के पढ़ने की वजह से मैं ये बन गया हूँ, क्योंकि मैं चार साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन नक्श की वजह से नहीं। हाँ, एक नक्श मैंने देखा है, हिफाजत के लिए अगर कोई नक्श है तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का है, और इसी बात पर जो है मैंने एक चीज़ मैंने यानी कि अपने एक्सपीरियंस में डाल दी,
मेरे डैड ने वही मसरूर भाई वाली बात तकरीबन 97 नहीं यानी कि समझ लो सन 2000 से मेरे डैड ने बिस्मिल्लाह के नक्श के अलावा किसी को कोई और तावीज़ या नक्श ना लिखा ना दिया जी। कितना भी लॉ बना लो, कितनी उसको लोहे के ऊपर, कलम के ऊपर, मैग्नेट के ऊपर, सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर, खून से लिख डालो किसी की चमड़ी उतार के, तो भी वो असर नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। मेरे हिसाब से नक्श तावीज़ कुछ नहीं करते, ठीक है ना। सिर्फ बिस्मिल्लाह का एक वाहिद नक्श है, हस्तैन भाई ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि ज़ुल्किताबत भी है, मौक्किल बंधे हुए हैं इसके अंदर, और ख़ास तौर पर हमारे तरीके में मौक्किल जब हम बांधते हैं तो मौक्किल हमने देखा हुआ होता है, ये चीज है। अगर भाई मैं आपको मैं बताऊं कोई बोलो बोलो जो बात कह रहे हैं ना, सात आठ साल पहले ये पाकिस्तान आए हुए थे, इस्लामाबाद भी गए हुए थे, यहाँ भी थे, तो ऐसी बात होने लगी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, हमारा मसला ये है कि हमारी फैमिली में जैसे अब ये है, अब मेरे चचा हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम ना फैमिली की बात नहीं करेंगे कि वो भाभी कैसी है, वो बच्चा कैसा है, वो खेल रहा था, वो दौड़ रहा था, ये बात नहीं होगी। अब बात होगी वो फलाना रियाज क्या है, वो ऐसे कैसे, वो नक्श देखा था, वो हाजी देखा था, ऐसे चलता है वो, नहीं नहीं ऐसे भी होता है। तो मैं हम दोनों मेरी बात हो रही थी, ये बैठे हुए थे, तो उस जमाने में मेरी कमर में तकलीफ थी, तो ये मुसल्ला बिछा हुआ था, मैं सामने बेड पे बैठा हुआ था, तो ऐसी कापी रखी हुई थी, ये बात कर उससे करने लगे, कहने लगे अगर ये नक्श चारों चालों में एक साथ हो। मैंने कहा कोई देरी नहीं, अभी भर लेते हैं उसे। मैंने एक नक्श भरा, दूसरा भरा, तीसरा। अच्छा, गलती क्या हुई कि उस नक्श को ना मैं क्रॉस नहीं करता गया, यानी वो लाइव होते गए, पहला हुआ लाइव, दूसरा गया लाइव, तीसरा गया लाइव, चौथे पे एकदम से ना जमीन हिलनी शुरू हो गई। क्या बात है, क्या बात है। वहीं बैठे बैठे अबे हुआ क्या। अच्छा, फोरकास्ट भी नहीं, जैसे होता है यहाँ पाकिस्तान में भी, वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बताता है, मेट्रोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई शायद वो कुछ ऐसा है, क्योंकि कराची जो है वो जलजले की फॉल्ट लाइन पर है। खैर, रजा भाई बच्चों बच्चों को लेके, वो हमारे भांजी भी आए, भज्जे भी आए हुए थे, वो बाहर बाहर निकल गए सहन, पता लगा जी कराची में जलजला आ गया था, और उसी वक्त आ गया था, उसी वक्त। और अभी आज दिन तक हसनैन भाई के हाथ का लिखा हुआ पर्चा मेरे पास है, आज दिन तक मेरे गल वो उसको वहां रखा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बात नहीं रही है जो रजा भाई ने बात बोली, मैं आप नाम नहीं लूंगा भाई, मतलब पाकिस्तान की मतलब बड़ी फिगर है वो, मतलब रजा भाई ने एक तरीके का, हम लोग बात कर रहे थे बैठे हुए, कहने लगे यार ऐसा करो, ये जो बिस्मिल्लाह का रियाज है ना, बंदा रियाज भी कर रहा है, और डैड, मैंने कहा हाँ वो डैड ने भी करवाया था, ऐसे रियाज था वियाज था, और ऐसे है कि अगर इसको सोने के पत्रे के, मैंने कहा रजा भाई अभी ये सोने के पत्रे पे यही नक्श हो बिस्मिल्लाह का, यानी हाँ फिर देखना तुम उसका क्या कर रहा भाई करता है। मैंने कहा ठीक है, कुछ हुआ तो देख लेंगे इसको। मसरूर भाई खुदा शाहिद है कि बंदा जो है, आप एक, मैं एक बात ये कहूँ उसके लिए फकरा ये इस्तेमाल करूँ ना कि अर्श से फर्श, इतना इफेक्टिव। मैंने रजा भाई को बताया, मैंने कहा यार आदमी यहाँ था और आज, मतलब इस वक्त अगर बात की जाए तो शायद सैलरी 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ ड्रॉ करता है वो महीने की। क्या बात है। अच्छा, मैंने रजा भाई को बताया, रजा भाई कहने लगे भाई ये पावर, एक तो एलिमेंट रियाज और फिर बिस्मिल्लाह की ताकत, ये एक जगह कॉम्बिनेशन हो गया। क्या बात, तीनों चीजें, नक्श भी बिस्मिल्लाह का था और रियाजत भी बिस्मिल्लाह की थी। वो रजा भाई से एक दफा बात हो रही थी, जैसे बात करते हैं हम, वैसे भी ऑफलाइन भी बात करते हैं, तो बाज़ वक़्त ना बात बड़ी तवील हो जाती है, मतलब 1.25 घंटा 1 घंटा, बीच में इंटरप्शन भी होती रहती, जब काम की बात करो तो इंटरप्शन करते हैं, तो खास बात है। तो उसके बाद रजा भाई ने आइडिया, रजा भाई ने दिया, नहीं कहने का इसको ऐसे कर लें, क्योंकि कागज पे, मैं बताऊं कागज पे तो इफेक्टिवली, मतलब एक बात हो रही है ना, जैसे कि कॉपर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सेस तेज करता है करंट का, मेटल में ना अब्सॉर्ब करता है, अपने अंदर चीजें समा सकता है वो, उसके अंदर कुव्वत समाने की ज्यादा है, इट्स अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो क्या भाई लोहा है, ये है चांदी का पतरा है, कागज है, तो रजा भाई ने कहा अबे यार कभी देखना हो ना तो इसको ऐसे करके देखना, फिर ये बताएगा क्या होता है। सही। तो बिस्मिल्लाह की तो पता है लोग, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, बिस्मिल्लाह पे रियाज पे यकीन ही नहीं, कि पूरा कायनात का इल्म कुरान में है, कुरान का इल्म जो है यासीन में है, यासीन का इल्म जो है
वो आप ये देख लें कि उसकी अपनी एकायत में उसका इल्म जो है अलहम्द में अलहम्द इल्म बिस्मिल्लाह में, वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इससे क्या होगा? अरे भाई हर बस आपको नहीं पता ना इससे क्या होगा। और मैं उस क्या कहते हैं बे का बाहे बिस्मिल्लाह नुकता हूँ, क्या बात है ना। हाँ, और हसनैन भाई को अगर याद हो एक और साहब थे वो भी हाई यानी कि हाई एंड थे कराची में अभी भी हैं, उनको हिफाजत के लिए हमने एक बिस्मिल्लाह ही लिख के दी थी ना अंगूठे के ऊपर। जी 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 बिल्कुल। हाँ, उनके भाई इंतकाल मारे गए थे वो बच गए, लेकिन भाई का अगर हसनैन भाई को याद हो मैंने बता दिया था कि इस जगह मारा जाएगा, उस जमाने की बात है ये, गोइंग बैक 8 years, और वो यही हुआ उसके साथ अनफॉर्चुनेटली। अब नाम नहीं ले सकते क्योंकि असल में मैं असल में रजा भाई जी बात बोल रहे हैं ना बिस्मिल्लाह की, मैंने ये जो कोविड चल रहा है मैं भाई आपको बताऊं बिस्मिल्लाह की मैंने पावर देखी, रजा भाई से बात हो रही थी, रजा भाई ने कहा यार इस तरीके से बिस्मिल्लाह का नक्श ना लिख लो जितने मुनासिब समझते हो ऐसे, लेकिन लिखना है इसको ऐसे, वो तरीका मैंने पहली दफा रजा भाई से सुना यार बिस्मिल्लाह का नक्श ऐसे भी लिखा जाता है। भाई आप यकीन माने मैंने खुद 40-45 बना ली, बहुत जो करीबी हलके के लोग हैं उन्हीं को दे दिए वो तावीज़ के भाई आप ये रख लें अपने पास, आ रहे हैं जा रहे हैं ऑफिस भी जा रहे हैं, मतलब कराची में तो मतलब समझे कोविड भी है बस आप समझने के लोगों ने केयर भी इतनी को खास नहीं की, लेकिन इसकी बरकत से ना वबा में भी महफूज रहे। वबा में भी भाई मैंने तो अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको दी अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को भी कोविड तो नहीं हुआ भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा दी और यहाँ भी पूरी फैमिली को दी, अपने साले साली सबको दिया भाई, नो बड़ी हैज एवर कंप्लेंट, ना इंडिया में किसी को किसी ने कहा कि मुझे कोविड हो गया। और मैं एक और बात बता दूं कि कल रात मसरूर भाई और हम अपने अब्बा के इल्म की बात कर रहे थे, वैसे तो ये मौलाए कायनात का इल्म है लेकिन वो कतरा कह लें उसका डैड के पास था ड्रॉप जो उनके वर्ड्स थे, इसमें पकड़ इतनी पकड़ है कि अगर हम किसी को नक्श दे दें ना शहजाद भाई को और ये अगर कोई और चीज पढ़े नक्श उसी वक्त कट जाता है। और ये मैं हसनैन भाई को पूछूंगा कि ऐसा क्यों है कि अगर हम कोई चीज पढ़ने को दें और दूसरी चीज वो पढ़ता है रियाज वहीं खारिज, दूसरी चीज ये कि अगर किसी को नक्श दे रियाज वहीं खारिज, अगर किसी को तिलिस्म लिख के दें वहीं पे तिलिस्म खारिज, हर चीज बिल्कुल खारिज 0/0, वो जो पत्थर है बिल्कुल पत्थर के मानिंद हो जाता है यानी ईंट और पत्थर फर्क नहीं रहता भले तिलिस्म लिखा हो, नक्श जो है वो कागज़ और न्यूज़पेपर की वैल्यू, और अगर वो या लतीफ़ो पढ़ रहा है तो या लतीफ़ो बिल्कुल आपकी इबादत के जाविये में जैसे बाकी आप इबादत कर रहे हो उस तरह अफेक्टिवनेस नहीं रहती, ऐसा क्यों है? ये क्या, ये कौन सी पकड़ है, ये क्या कुव्वत है जो पकड़ इतनी रखी हुई है, क्यों रखी हुई है पकड़, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ें, ये सवाल आते हैं जो एक मिनट ये सवाल आते हैं जो मुझे इल्म वाला ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जवाब दे इस चीज़ों का। असल में देखिए बुनियादी तौर पर जो तरीक़ेकार है जो भी तरीक़ेकार हैं अब जैसे ये साईं का बंदोबस्त है या फॉर एग्जांपल कोई कादरिया सिलसिले का है, देखें मसला होता है कि एक मरीज का इलाज दो डॉक्टर नहीं कर सकते, हर डॉक्टर अपने हिसाब से दवा और उसकी पोटेंसी देता है, मुख्तलिफ सॉल्ट या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, जैसे ही दूसरी दवा आती है तो ऑब्वियसली एक दवा कट जाती है, तो हम लोग जब अपने हिसाब से इलाज करते हैं ना तो उसके अंदर दूसरी दवा मना कर देते हैं, ये कोई वजीफा कोई तिलिस्म वो दवा है बेसिकली खारजी तौर पर आ रही है ना आपके साथ आपकी बॉडी के साथ आप तिलावत कर रहा है, तो फिर दो रियाज नहीं चलते, इसी वजह से ये कहा जाता है जो रूहानियत की लाइन है इसमें कहा जाता है कि दुनिया के हर इल्म में दो उस्ताद जो हैं वो बेहतर होते हैं आदमी के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स सीखना है तो आप सर मसरूर से भी सीख लें और सर शहजाद से भी सीख लें, तो भाई दो उस्ताद आपको बता रहे हैं तो आप ज़्यादा इल्म ज़्यादा फार्मूलेज जो हैं वो गेन कर रहे हैं, रूहानियत में एक उस्ताद जो है वो चलता है दो उस्ताद वाला मार खा लेता है। अच्छा जैसे जो हमारा जी बोलो 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 सॉरी बोलो दुनिया के उलूम से उल्टा इल्म इस इल्म की कहानी है, इसमें एक उस्ताद के साथ गेम चलता है, जो अली अदर साहब कहा करते थे यकदरगीर मोहकम बगीर, यानी एक दरवाजे के ऊपर पड़े रहो तो वहीं भारी हो जाओगे,
बार बार दूसरे तीसरे दरवाजे पे जाओगे ना तो भारी नहीं होगे फिर। वो कहते हैं ना एक पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े वजनी नहीं हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारे सिलसिले के अंदर जो ये पूरा सिलसिला है, जो पूरा निज़ाम है, इसमें जो चीज़ हम चलाते हैं ना अपनी, चाहे सरदर्द के लिए चलाएं, चाहे कोई जॉब के लिए चलाएं, रिस्क के लिए चलाएं, वबा के लिए चलाएं, उसमें जैसे ही कोई दूसरे सिलसिले की रियाजत या कोई चीज़ आप एंटर करते हैं ना तो ये नल हो जाता है। हाँ, ये नल नल क्यों होता है? ये और तरीकत सिलसिले में नल नहीं होता। अब कोई चैट में लिख रहा है, मरियम अकबर लिख रही है, क्योंकि ये ख़ानदान का इल्म है। ये भी समझ में आता है कि ठीक है, ख़ानदान का इल्म है, घराने का इल्म है, मगर फिर भी नल क्यों होता है? ये रियाज क्यों कटता है दूसरी चीज़ पढ़ने से? भाई देखें, हमारे यहाँ जो रियाज चल रहा है ना, देखें हमारे बेसिकली अगर फॉर्मेशन देखी जाए, भाई भाई अली हैदर साहब थे, आपके अब्बा थे, मेरे अब्बा थे, आप हैं, मैं हैं, ये सब यही लोग हैं ना सारे, एक ही फैमिली सहारनपुर से रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, वही रियाज हैं। अली हैदर साहब का रियाज था, वो रोजाना 12,500 रियाज करते थे अपनी कबर पे बैठ के। अच्छा, साईं जी वो भी कबर में बैठ के रियाज करते थे। फिर बड़े शाह जी वजीफा करते थे, आप वजीफा करते हैं, मैं वजीफा करते हैं। तो देखें रोटेशन, वो इस ये उसे सिलसिले का नाम लें आप पूरा, कि ये सहारनपुर का एक सिलसिला है, ये इस तरह रियाज करते हैं। तो हमारे रियाज में क्या पढ़ाने को देते हैं हम लोग? देखें बिस्मिल्लाह देते हैं हम लोग, जो हैं बहुत अगर हुआ तो ये एक इस्म देते हैं, एक आयत देते हैं, एक सूरा देते हैं, हमारी कॉम्बिनेशन ये चलती है जी। बहुत बहुत हल्की कार्रवाई के लिए मसरूर भाई इस बात के गवाह होंगे कि शाह साहब भी इस्म दे दिया करते थे, इस्म ले लो। जी 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 बिल्कुल सही। उससे बड़ा कुछ हुआ ऐसा करना, फलाना सूरा पढ़ना और ये इस्म की तिलावत करना। बिल्कुल सही। तो एक सूरा एक इस्म, अल्लाह का कोई एक इस्म और एक सूरा, जब चाहे सूरह यासीन है, सूरह मुजम्मिल है, या सूरह मुल्क है, या सूरह वाकया है, यही सूरह हैं 4, 6, 8। यासीन, यासीन हम 7-8 तरीके से, मैं उस दिन ऐसे ही काउंट कर रहा था तो मेरे ख्याल में शायद 8 या 11 तरीके से हमारी ये फैमिली जो है यासीन को ऊपर नीचे करती है। 9 तरीकों से करती है, पूरे एग्जैक्टली 9 तरीके हैं, 9 टेक्निक्स हैं यासीन पढ़वाने के, विर्द मुबीन जी। बोलो बोलो। अच्छा, उसके अलावा यासीन पढ़वाने का है भाई। मेरी एक दफ़ा आखिरी दफ़ा जब मुलाकात हुई शाह साहब यहाँ आए, मुलाकात हुई तो वो अच्छा वो तो दिल की बात जानते थे। अच्छा मैं तो गया ही उनके पास इस सिलसिले में था, तो खैर उन्होंने बात बात की, तो उन्होंने यासीन का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा ये तरीका इस तरह है और उसमें ये तकरार होगी ऐसे। अब वो उन्होंने तरीका कहीं लिखा भी नहीं है। अब हम उसमें देखें, आप आम आदमी के लिए जो बिल्कुल ले मैन है वगैरह, हर एक को बिस्मिल्लाह बता देते हैं। अरे बाबा बिस्मिल्लाह की पावर ही बहुत है, बहुत। अच्छा है। हर आदमी हर चीज को या लतीफ बता देते हैं। अब उस दिन बात ऐसी, पता नहीं बात ऐसी महफिल थी, दोस्त अहबाब बैठे थे, तो बात होने लगी कि रियाजत करते हैं ये देखते वेखते हैं, लेकिन मंजर धुंधला दिखता है। मैंने कहा भाई देखो, मंजर क्लियर देखने के लिए बात निकली अस्मा अस्मा पे। जैसे हमारे तो देखें डिस्कशन भी यही अस्मा, आयत, सूरा, तफसीर, ये होती है ना कुरान से लिंक। अब फिल्मों पे तो डिस्कशन करने से रहे, तो अब उस पर बात होने लगी, तो कहने लगी जी या खबीरो। मैंने कहा भाई या खबीरो एक अलग चीज़ है, या अलीमो एक अलग चीज़ है, उसमें खबर भी आती है सुनाई भी देता है, लेकिन अगर मंजर साफ देखना चाहते हो, फिल्म की तरह देखना चाहते हो, तो या लतीफ़ों से बेहतर कोई चीज़ नहीं। क्रिस्टल क्लियर दिखता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मंजर, अब चाहे वो माजी का हो चाहे मुस्तकबिल का हो। तो ये अब आप इसे आप कहें कि ये खानदानी तरीक़ेकार है, तो हम अपनी चीज ही चलाते हैं। सही, लेकिन इसमें एक मिनट, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। कोई अहमद जी हैं, वो चैट में लिख रहे हैं कि सॉरी मेरा गला जो है ना टॉन्सिल हुआ हुआ है एक, वो कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह की मेडिटेशन, ठीक है ना। अब मैं एक बात बताऊं, मेडिटेशन बिस्मिल्लाह की अगर करनी है ना, रात को 12 बजे यानी कि 11:59 पे जानमाज के ऊपर बैठा हुआ हो, पूरी घड़ी जब 12 बजे ना, पूरी 12 बजे, तो 12,000 बिस्मिल्लाह जो है ना, दो जानू जो है, पैर जैसे कि हम बैठते हैं कैसे उसको, दो जानू बोलते हैं क्या बोलते हैं, नहीं तशद वाले नहीं है, ये पोजीशन है यार, जो वजीफे की आल्टी पाल्टी मार के बैठे, लेकिन जिस पाल्टी बैठे उसी पाल्टी में पूरा रियाज करना है 12,000 बिस्मिल्लाह का। कोई टाइम नहीं देखना, कोई वक्त नहीं देखना, तस्बीह जिस आपकी पोजीशन में हाथ में आपने ले ली है ना 11:59 पे, वो उस पोजीशन में टू दी एंड रहे,
सोचने में कोई चीज ना हो, सुनने में सिर्फ आपको सदा आपकी अपनी आवाज की आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलब में नहीं पढ़ना, जबान से पढ़ना है। 12,000 पढ़ के देख लो, फिर पता चल जाएगा मेडिटेशन किसको कहते हैं। एक दिन कर लो, लेकिन हो क्या कहते हैं उसे, 12वीं तारीख को चांद की नहीं, इंग्लिश की, 12वीं तारीख को और 11:59 पे, यानी कि 12 बजे टकरार है 12,000 बिस्मिल्लाह। और जो दूसरी चीज़ ये है कि हर महीने की 12वीं को करके देखना, 12 महीने कर लो और फिर बताना मेडिटेशन किसको कहते हैं। यानी कि आपके पास जो है ना, मैं एक बात बताऊं कि लोग मेरे से कल किसी से बात हो रही थी ऑफ एयर सुबह सुबह, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे शहजाद भाई को पता है, वो इल्मी बात भी करते हैं, वो पूछ रहे थे कि आपको एक्सरे होता है, यानी कि विजन, एक्सरे तो छोड़ो, आपको बाकायदा वो जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड विजन हो जाएगी आपकी अगर कल लो 12 महीने, मगर बशर्त यह है कि फिर कोई और रियाज ना हो। मेडिटेशन का मतलब होता है तू मेडिटेट फ्रॉम इनसाइड। लोग कहते हैं जी क्लीन होता है, क्लीन कुलून तो ब्लीच से होता है, सरफेस क्लीनर से क्लीन होता है, ये क्लीन नहीं होता, ये एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि कुरान जहां आता है वहां गंदगी रतूबत नापाकी नहीं रह सकती। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप पढ़ के अपने आप को क्लीन कर लो, आप से पढ़ लो कुरान खुद ब खुद जहां पे नाजिल होगा वो जगह क्लीन पाक हो जाएगी। सऊदी अरब मिसाल है इस जगह की, क्या बात, उस जमीन को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल जमीन दे दी, काबा हो गया, मदीना हो गया वहां पे। अगर यही कुरान जो है यूरोप के किसी शहर में, क्रोएशिया में नाजिल होता तो काबा और मदीना वहां होते, उसको अजीम तरीन जगह दे देता अल्लाह ताला, क्योंकि बैतुल मामूर बनता है वहां पे, जहां पे कुरान नाजिल होता है। पहले कुरान नाजिल हुआ था, बाकी चीजें बाद में क्रिएट हुई थी। जी जी जी। अब ये बातें कौन समझाए किसी को, क्या खैर प्रोग्राम आगे बढ़ा ले, भाव का प्रोग्राम है, तो किसी ने पूछा तो मैंने बता भी दिया, सॉरी, ठीक है ना, ये चीज। रजा भाई, ये यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, ये जो हिकमत की वजह से जो आपने बात कही है, तो ये जो आपको जो पावर है आपकी, ये जो विजडम है, क्या ये विजडम इज रिलेटेड टू दी क्या कहते हैं, ये आपकी जो रियाजत तो इबादत है, इसकी वजह से विजडम आती है? अब विजडम से मतलब बीइंग वाइज, हिकमत, हाँ, हल आता है इसके लिए, जवाब आते हैं, जवाब आते हैं ना प्रॉब्लम्स के, आपके मसाइल के, या अभी जैसे बात हो रही थी वजीफे की, इसका जवाब आ गया। अगर कोई और पूछ ले कि जी क्या कहते हैं उसको क्या नाम है, ऑडियो कैसे चलानी है, नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है वो भी बता दें, मगर टेक्निकल भाई, मैं इसमें खता कलामी कर, हाँ बोले बोले, खता कलामी करूं रजा भाई की, फिर बाद में जवाब आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। असल में मसरूर भाई, देखें कुरान जो है ना, बुनियादी तौर पर कुरान है, इसका लफ्ज कुरान जो है, इस पे जरा आप देखें गौर करें तो मतलब है पढ़े जाने वाली, ठीक है, कुरान का मतलब ही पढ़े जाने वाली। एक अब इसके अंदर जो आयत है, सूरा है, इसम है, वॉट एवर जो कुछ है वो इसके अंदर है, ये पढ़े जाने वाली। दूसरी बात, इसकी जो सिफत है वो ये है, फरकान है, फर्क करने वाली, खैर में और शर में, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। फिर ये कुरान हकीम भी है, हकीम जो है, देखें एक तो हमने तो ज़ाहरी तौर पे हम बात कहते हैं, हकीम वो होता है जो कोई माजून देता है, कोई दर्द की किसी वो दवा देता है, सवालीन लिखता है, या वो कोई आपको कहवा बना के देगा, कोई सफूब देगा। लेकिन देखिए रूहानी जो मसाइल होते हैं जिससे इंसान परेशान होता है, या उसके जिस्म को लाहक होते हैं, तो अब चाइनीज मेडिटेशन भी ये बात बोलती है, और बुद्ध मज़हब में भी ये ज़ाहिर पता है, वहाँ पे है जापान में और चाइना में और इंडिया में भी, वो ये कहते हैं कि पहले रोग आपके रूह को लगता है, बाद में जिस्म में दिखता है। तो जो ये विजडम है ना, ये जो दानिश है, ये है, ये कुरान से रिलेट है, तो ये हकमत है, ये हकीम है, तो वही तो इलाज कर रही है वो चीज़। तो अब इसका बात का जवाब आगे कंटिन्यू रजा भाई कर लेंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये इनसे ये पूछ रहा था कि ये आपकी जो विजडम है, इज इट देयर बिकॉज ऑफ योर रियाजत? विजडम इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मुझे ये थोड़ा सा ये क्लियर कर दें। मैं तो विजडम को इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि क्योंकि विजडम और उसी का दूसरा नाम पावर भी है। हाँ,
उसी का नाम, दूसरा नाम पावर भी है। तो मैं ये कहूंगा आपकी रियाजत इबादत की वजह से ये जितनी पावर्स आपके पास आई है, विच इज बेसिकली इज विजडम, कि मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपके पास कोई जवाब उसका प्रेजेंट होता है, कहीं से कोई डिवाइन आपके पास कोई चीज आती है, तो यही विजडम है। और क्या चीज विजडम है? अकलमंदी और पढ़ लिख करके तो आदमी नहीं विजडम कर सकता, एंड दिस इज योर पावर। तो क्या इसका रीजन सिर्फ रियाजत इबादत है? क्योंकि अगर रियाजत इबादत है तो ये तो फिर मेडिटेशन से भी आनी चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिस्ट है, जो हिंदू जो बैठे हुए हैं जार में बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके पास भी विजडम आ जाती है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर फॉर योर पावर एंड विजडम? एक तो ये कि किस तरह, अगर 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 बिल्कुल सादे लफ्जों में ना, तो ये रियाज तो नहीं है। मैं एक बात बता दूं, और मैंने उस दिन भी हमारे संडे को वो क्या कह रहे थे, मैं भी ये बात लाइव भी कहता हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने को तो मस्जिदें भरी पड़ी हैं, आई एम सॉरी टू से, माजरत के साथ। इबादत के जाविये में सब कुछ होता है, मगर ये पढ़ने से नहीं होता, ये कोई और चक्कर है। अच्छा, ये भी कह दो कि जी शेख से होता है, मेरा कोई शेख नहीं है, आपको पता है मैं ना किसी को पूछता हूँ ना मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ना मैं पूछता हूँ किसी को। हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि सवालात हैं मेरे कुछ जो जवाब नहीं मिलता मुझे कहीं से, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ना शेख शूख है, ना कोई पीर है मेरा, ना कुछ है। हाँ, एक बात मैं करता हूँ कि साईं का बंदोबस्त है, वो एक अलग चीज़ है, बट ये पढ़ने पढ़ाने वाला चक्कर नहीं है, ये कोई और चक्कर है। ये चक्कर जो है ना, ये हस्तैन भाई भी अगर सच बोलेंगे तो ये यही बोलेंगे, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे ख़ानदान में हस्तैन भाई ने, समझ लो कि अली हैदर साहब को भी अपने छोटे बचपन में, जैसे हमने देखा था, इन्होंने अपने अब्बा के साथ भी गुजारा है, जब जवान हुए हमारे अब्बा को भी देखा है इन्होंने, बातचीत भी होती रही, और अब ये मुझे भी देख रहे हैं, यानी कि ये एज अ नॉट आउटसाइडर, एज अ फैमिली मेम्बर सीइंग फोर जनरेशन्स, अली हैदर साहब, अपने फादर, मेरे फादर और मुझे, ये कह सकते हैं कि मेरा जो आई डोंट नो ऑपरेशनल प्रोसीजर या मोडस ऑपरेंडी, आई कांट इवन गेट द वर्ड्स फॉर इट, ये थोड़ा डिफर करता है बाकी तीनों से, और बहुत ज़्यादा डिफर करता है। टॉलरेंस मेरे में इंतहागी है, हमारे ख़ानदान में टॉलरेंस नाम की चीज़ नहीं है, हमारे अब्बा में तो बिल्कुल ही नहीं थी, कमाल भाई में भी इतनी गिनी चुनी थी, अली हैदर साहब तो बात ही नहीं करते थे किसी से, मेरे में टॉलरेंस इंतहा की है। मैं वो काम करने को तैयार हूँ कि जैसे इनके अब्बा करते थे, वो काम भी करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे अब्बा करते थे। मगर रजा भाई, जी एच खान साहब जो थे, जी एच खान साहब जो थे, वो भी एक नंबर के सूफी थे, एक नंबर के वो थे, मगर वो तो दुनियावी कामों में, वो तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के सर्वे जनरल रह चुके थे। मतलब ही वाज टोटली इन्वॉल्वड इन साइंटिफिक फील्ड एंड एवरीथिंग, उसके बावजूद उनका रुतबा इतना हाई था। देखें तो उनमें और आपके डैड में फर्क ये था कि आपके डैड ने सारी जिंदगी रियाजत इबादत और इल्म के चक्कर में लगा दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन लिव द वर्ल्डली लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ साइड बाय साइड। यह साइड बाय साइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, आई एम नॉट ब्लेस्ड विद दिस, आपको पता है। हाँ जी जी जी, हाँ आपको पता है, आई वॉज नॉट ब्लेस्ड विद दिस, ठीक है ना। कमाल भाई वॉज पार्शली ब्लेस्ड विद इट, देन इवेंचुअली ही हैड टू गिव इन एज वेल, ये चीज है। अली हैदर साहब जो है, ही वॉज ब्लेस्ड विद इट, माई फादर वॉज ब्लेस्ड विद दिस प्रिविलेज, ठीक है ना, टू डू बोथ साइड्स, बट द थिंग इज दैट के जहाँ तक इस चीज का सवाल है, लेकिन कमाल भाई वॉज प्रिविलेज टू लिव विद दिस फैमिली, ही हैड द अपॉर्चुनिटी या प्रिविलेज टू लिव विद दिस फैमिली। मेरे डैड को और मुझे ये प्रिविलेज नहीं थी। और चीज ये है कि अगर आप रियलिस्टिकली सोचो तो इससे बड़ा दर्द हो नहीं सकता आदमी को, कि आपके बाल भी बच्चे हों और आप जानबूझ के जो है अकेले रह रहे हो,
और कोई ये भी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा हो मियाँ बीवी में, ठीक है ना, लड़ेगा कौन बॉबी जी से, दिमाग खराब है पिटना है बीवी से कौन लड़ता है चुप करके। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जब आदमी को ऐसी फीलिंग हो जाए ना, ऐसी फीलिंग हो जाए, और फिर ये कि मैं एक बात बताऊं, दिल की बात हो रही है तो मैं बता दूं, जो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, आई लाइक हेल्पिंग देम कि दे लिव अ हैप्पी फैमिली लाइफ। देखिए मेरी कोई सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, या आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम, एस्पेशली फॉर द यूथ। असल में जो रजा भाई बात कह रहे हैं ना, बुनियादी तौर पर मैंने देखे, मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर दूं उस सारी पूरी बात का, जी कि मैंने ये सब पूरी जेनरेशन में देखी। अली हैदर साहब को तो मैंने, मतलब मैं इंटर में था, यानी मैट्रिक करके भी इंटर के पेपर वेपर दे लिए थे, तो मैंने उनके साथ ट्रेवल किया और मैं उनको ऑब्जर्व करता था। अच्छा, उनके साथ हमेशा एक मुरीद या एक बेटा या पोता साथ चलता था कि वो गायब होता ही उलर्स करते थे, तो हमारे वालिद भी बड़ा ख्याल रखते थे कि ताया कहीं गायब ना हो जाएं, तो एक आध किसी भी लड़के को साथ रखते थे उनके, भाई इनके साथ रहो, हमा वक्त साथ रहो, वॉशरूम भी जाओ तो उनके वॉशरूम के बाहर खड़े रहो। अच्छा, ये ना ये लम्हा नहीं लगाएंगे तहीलर्स करने में, ये इस मामले में इतने खतरनाक हैं। तो असल में देखें, शाह साहब का अभी बात की और बात थोड़ी डिविएट भी करेगी, बुनियादी तौर पर ये जो सिलसिला है ना, ये जो सारा पूरा मामला है, इसके अंदर एक ऐसी आप इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं जो निगाह रखती है या आंख रखती है, उसे साई का बंदोबस्त कहें या आप उसे वॉट एवर नेम आप उसे कोई भी दें, लेकिन थियोरेटिकल जो सलासिल हैं ये इस पूरे रूहानियत के, उसमें सिर्फ एक सिलसिला है, वो है सिलसिला अवेसिया, यानी अवेस्य करनी से, कि जिसके अंदर रसूल खुदा पास नहीं थे अवेस्य करनी के, लेकिन वो सहाबी थे और मर्तबा बड़ा बहुत बुलंद था, तो उसके अंदर कोई शेख शूख कुछ होता नहीं है, लेकिन गाइडेंस हो रही होती है अल्लाह की तरफ से, ये इस खास बात होती है, फिजिकल नहीं होता लेकिन गाइडेंस मुस्तकिल आती रहती है। उसको अगर नाम दें, इस ऑपरेशन को अगर बात दें कि ये ऑपरेशन का मेथड या मैकेनिज्म जो है वो किससे मिलता है, तो वो सिलसिला अवेसिया से मिलता है, या उसके सारे सिम्टम्स वही हैं जो सिलसिला अवेसिया के हों। ठीक, अब बुनियादी बात है कि अली हैदर साहब थे या बड़े शाहजी थे, वो मतलब उन्होंने जॉब की आर्मी के अंदर की, दोनों रिटायर हुए बाकायदा, और फिर उसके बाद इधर उधर जो भी काम किया है नहीं किया, ये ओल्ड एज हो गई, तो बुनियादी बात उसके अंदर ये थी कि सरकार की नौकरी की और की भी नौकरी आर्मी। आपने जी एच खान की बात की ना, तो उसमें भी मुमासलत ये थी कि सरकारी नौकर थे। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की नौकरी, हमने भी सिर्फ सरकारी नौकरी की इंटेलिजेंस ब्यूरो में, वरना नौकरी नहीं की। वाकई सही बात है, बोलो बोलो हसन भाई। अच्छा, तो मैं मुझसे पिछले हफ्ते शायद सवाल कर रहे थे हमारे एक दोस्त से बात करते, मैंने कहा भाई देखें, प्राइवेट कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो रूहानियत का चक्कर है, मेरा ख्याल है, मैंने अपना ख्याल जाहिर किया कि मैं तो देखें तालिबे इल्म अपने आप को काउंट करता हूँ, कि देखें मेरा ख्याल ये है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फील्ड चलती नहीं है, ये वजीफा ख्वारी चलती सिर्फ सरकार के साथ है, यानी रूहानी सरकार को दुनियावी सरकार सपोर्ट कर दे। अच्छा अच्छा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो टाइम ही नहीं होगा ना आपके पास, सरकारी सेक्टर में होता है 6 घंटे की 8 घंटे की डॉगरी होती है, फिर खत्म हो जाता है, फिर आप रियाज करते रहते हैं बैठ के। ये अच्छा, एक मैंने एक बात चेक की इस मामले में। सही, एक चीज सॉरी, बैक टू टॉपिक, जो जहां से बात स्टार्ट हुई थी, हसनैन भाई जैसे बता रहे थे कि एक ही शेख या एक ही तरीके से जो है वो चलता है, आप इधर उधर नहीं जा सकते रूहानियत में, लेकिन बड़े शाहजी जो है उन्होंने अली हैदर साहब से नक्श की तालीम ली, वो जी एच एक वक्त में भाई, एक वक्त में एक आदमी, एक वक्त दुनिया के और दुनिया के और उलूम में तासीर पैदा हो जाती है दो उस्तादों के होने से। इस रूहानियत के मामले में बताने वाला एक उस्ताद होना चाहिए, अगर दो उस्तादों की राय पे आप अमल करेंगे तो यकीन दायमा हो जाएगा। बेसिकली मेन मसला है यकीन का, कि फलाना सही कह रहा है या फलाना सही कह रहा है, और जहां बेयकीनी हुई वहां गया बंदा। सही, और क्योंकि मैं, हाँ बोलो बोलो शहजाद भाई, मैं इसके वो जहन में वो टाइमलाइन देख रहा था कि कैसे कैसे फेजेज आए बड़े शाहजी की लाइफ में, तो मैं वो मुझे लगा कि वो मतलब कि अली हैदर साहब के साथ, जब साईं जी के साथ थे तो मतलब अली हैदर साहब नहीं के बाद का अली हैदर साहब जो है खानदान के बुजुर्ग थे, शेख नहीं थे जी,
शेख जो हैं वो सही मानों में बैत वाले थे, वो थे साईं जी। साईं जी जी एच खान साहब जी ने बैत नहीं करवाई थी, वो खाली यानी कि टीचर कह लो या शेख कह लो, मंडी बाउद्दीन वाली सरकार वो टीचर कह लो या शेख कह लो, ठीक है ना, लेकिन बैत जो है वो साईं जी की थी, वो एक ही थे। वो एक ही थी। अली हैदर खान, अली हैदर साहब जो है खानदान के बुजुर्ग थे, वो तो 96 में, हम छोटा था मैं उस जमाने में, हम क्या कहते हैं अख्तर जाफरी के साथ हम अली हैदर साहब से मिलने गए थे जब वो वाकया हुआ था कि हाँ भाई आपकी तो अखबारों में खबर आएगी। सब खुश हो गए अखबारों में खबर, बाद में खबर तो आई मगर वो डॉन की मेन पेज पर खबर आई थी कि इन्होंने रातों रात जो है कोई चक्कर हुआ था FIA का कि प्लेटिनम को इन्होंने चांदी बना दिया, रातों रात सब पकड़े गए थे। खबर तो आई थी और न्यूज में आई थी, बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन जो भी था, लेकिन शेख जो है इसके अंदर आई डोंट नो, अब देखा जाए तो कमाल भाई के भी कोई शेख नहीं थे, जो थे वो खानदान के बुजुर्ग थे। भाई 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 ये जो बात आप रजा भाई कह रहे हैं ना, जैसे अब हम असल में आउटसाइडर ना समझ नहीं पाता हमारा मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे साथ नहीं होता है वो। वो हमारे साथ नहीं होता है, जैसे अली हैदर साहब थे, हमारे वालिद थे, बड़े शाह जी थे, अब आ रहे हैं ना इंग्लिस्तान से आए हुए हैं, तो अली हैदर साहब खैरपुर से आए हुए हैं, अब बातचीत हो रही है, अब कोई बात की हमारे वालिद ने तो उस पर उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो यूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए अली हैदर साहब बातचीत कर रहे हैं हमारे वालिद, तो उन्होंने कहा उनके मुँह से निकला लैसल हादी अंतल हक इल्ला हादी इल्ला हू, उस जमाने में वो एक रियाज किया करते थे ये हिदायत जो है वो सिर्फ तेरी तरफ से है और सिवाय तेरे और कोई नहीं है, मतलब वो मुस्तकिल तकरार में रखते थे इस चीज को। तो अब उन्होंने बात की तो उन्होंने बात किया, जैसे किसी हमारे वालिद के मुरीद ने पूछा कि वो वजीफ पता नहीं क्या तबीयत खराब है या कुछ परेशानी मुश्किलात, उन्होंने कहा भाई या कमाल ये तुम लोग तो बस इतना ही पढ़ लो तो बड़ा काफी है तुम्हारा बेड़ा पार है, या कमाल बा कमाल दिखा कमाल। अच्छा। तो मतलब उनकी जबान में ये तासीर पैदा हो गई थी कि वो ये कहते थे। तो असल में बात ये, मैं हाँ दोबारा बात में वहीं आ जाऊं कि अब जैसे बैठे हुए बात हो रहे हैं ना, तो अली हैदर साहब ने कहा अरे भाई ये पढ़ लो बस खत्म जी, हमारे वालिद को ने कहा बस ये रियाज कर लो या वो आयत निकाल दी, तो अभी हम सब जानते हैं आपस में कि अब उनके मुंह से वो आयत निकलने का मकसद ये कि रियाज इस आयत का होगा। क्या बात, अब ये हिंदी चिंदी नहीं होगी, अब जैसे हम लोग साथ बैठे ना आम आदमी हिंदी चिंदी करेगा, वो कब पढ़ू वो कैसे पढ़ू वो कितनी दफा पढ़ू, ये नहीं होगा, ये हिंदी चिंदी नहीं होगी, अब बस उनके मुंह मतलब आप ही समझ लें कि इतनी आप ही समझ लें कि नजर शनास बोलें आप, मामला फहमी बोलें आप, विजडम बोलें वॉट एवर यू कैन से, कि उनके मुंह से निकला हुआ काम बस ये ऐसे ही होगा बस जो उन्होंने कहा है ना, अब वो पढ़ लेंगे। मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, ये कॉमन प्रैक्टिस है, हम लोग हिंदी चिंदी नहीं करते क्योंकि वो हमारे वालिद भी चढ़ जाते थे, कह लेंगे ये ना बात खराब हो जाती है, बात बिगड़ जाती है हिंदी चिंदी करने में, बस जितना कहा जा रहा उतना कर दो। अच्छा रजा भाई एक बात ये बताएं, यहाँ पे क्या कहते हैं किसी ने पूछा क्या नेक काम करने से भी विजडम आ जाती है, अगर एक आदमी बहुत ही नेक हो मतलब उसने कोई गलती ना किया हो, बिल्कुल पंक्चुअल हो अच्छे काम करने का, क्या इससे भी विजडम आ जाती है? बीइंग द वाइज जो है उसके लिए लाजमी नहीं है कि नेक और बद और इस तरह की चीजें, यानी कि कोई वो नहीं है, ये क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, मुझे एक तो मुझे मसरूर भाई सॉरी टू से मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में विजडम समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कहाँ फिट करूं, यानी कि हाँ आपके पास जो हिम्मत है हाँ बीइंग द बीइंग द वाइज और बीइंग अ सेज बेसिकली आप ये कह रहे हैं। हाँ मतलब हम अकलमंद नहीं कह रहे, हाँ वही 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 हाँ अगर तो आप यूनिवर्सिटी में जो दो दो PhD कर ले भाई वो बड़ा बड़ा तेज है पढ़ने लिखने में, ठीक है, मगर यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, ये तो जो कि डिवाइन किसी गैर ताकत की तरफ से आपके आपके दिमाग में वो चीज आई, वो पावर है आपके पास। अच्छा मैं अब हसनैन भाई की बात का जवाब दे दूं, इतनी देर बाद आया कह रहे हम अवैसी के नहीं है, अब जवाब आया इतनी देर बाद जवाब आया है, ये चीज है। अच्छा वो जो है वाइज अगर आप उसमें कहें कि नॉट इंटेलिजेंट बट इनलाइटफुल या इनलाइटमेंट के साथ आप जो कहते हैं
एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं। हाँ देखें, ये पढ़ने से भी आता है, मेडिटेशन से भी आता है। अब मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम बात कर रहा हूँ, लेट्स लीव दिस फैमिली एंड अस अलोन। पढ़ने से भी आता है, डूइंग द राइट थिंग से भी आता है, बट द थिंग इज दैट नॉट हेल्पिंग पीपल, डूइंग द राइट थिंग इज समथिंग डिफरेंट टू हेल्पिंग पीपल। देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब मैं शहजाद भाई की हेल्प कर रहा हूँ, बट अगर शहजाद भाई और मेरे बीच में कोई अनबन हो जाती है तो वॉट वुड बी द राइट थिंग टू डू इन दैट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दैट इज नॉट हेल्पिंग हिम, दैट इज डूइंग द राइट थिंग। बस शहजाद भाई को 2 पाउंड की जरूरत पड़ गई है या ये कि किसी मसले में आ गए तो आई स्टैंड अप विद हिम, वॉक विद हिम, क्राई विद हिम, लाफ विद हिम, और इवन डू वॉट एवर इट टेक्स विद हिम। दैट इज डूइंग हेल्पिंग हिम। But when it comes to the right thing is when there is a dispute in between two people. अब वो डिस्प्यूट से मतलब भले शहजाद भाई के साथ हो, ठीक है ना, और मेरे बीच में हो, शहजाद भाई और हसनैन भाई के बीच में हो, कि आई डू द राइट थिंग, यानी कि आई हैव टू मेक अ चॉइस। दैट इज विजडम, दैट इज विजडम। यू हैव टू बी जस्ट, दैट इज अदल। आपको आपको आदिल की तरह सोचना पड़ता है कि वो क्या करता। खैर वो तो नहीं सोच सकते, बट उस लेवल पे आपको अपने आप को राइट थिंग क्या होगा इसके अंदर। फिर हमारे अब्बा का वर्ड आता है कि हम जो काम करते हैं नफा नुकसान नहीं सोचते, हम कर देते हैं। अल्लाह ताला भी यही करता है, बेनियाजी है, नफा नुकसान नहीं सोचता, कर देता है। बस कर दो। ये जो क्वालिटी है, ये समझ लें कि ये आपके एक तो खून में आती है, ये खून में आती है पढ़ने बढ़ाने से। ये राइट थिंग वाली, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। एंड द अदर थिंग इज कि आपने जिंदगी में या तो ऐसी ठोकर खाई हो या ऐसे ठोका हो किसी ने आपको, या ये कि खाले के हकीकी तो बेनियाज है, उसी ने ठोक दिया हो आपके, ऐसे ऐसे ठोक दिया हो कि यू हैव स्टार्टेड टू थिंक लाइक द वाइस। ये चीज है, आपको दर्द, आपको अंदर से दुख हो, आपको आपको अंदर से दर्द हो अपना ही, लेकिन आप बयान नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो है, हसनैन भाई इस बात पे बोलेंगे, एक तो हमारे घराने में और इस तरह के मामले में जिनके पास इनलाइटमेंट इस लेवल की हो कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिनों मैं प्याज खाने लग गया था कि बहाव कम हो जाए, क्योंकि अकेला रहना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मैं सच्ची बात बताऊं, दिस इज गोइंग बैक 2-3 मंथ्स। शहजाद भाई को पता है, कह रहा आप तो प्याज नहीं खाते। मैंने कहा भाई मैं इसलिए खा रहा हूं कि बहाव कम हो जाए, मुंह, यानी कि हसनैन भाई बताएंगे कि मुंह मकरू और वो सारी चीजें वो समझाएंगे। दो चीजें समझानी है उन्होंने, एक पहले वाली एक दूसरे वाली। दी अदर थिंग इज वो सब करके देख लिया, कुछ रत्ती बराबर प्याज खाने से कद्दू कुछ नहीं हुआ। कद्दू से मतलब एक, यानी कि होता है ना कि एक पलक भी झपकी हो या कुछ, कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता मुंह से बदबू आने लग गई, कुछ नहीं हुआ। मैंने इतना तक के, मैं अब आपस की बात बता रहा हूँ, लाइव बतानी चीज़ नहीं, मैंने प्याज खा के अभी तकरीबन आई थिंक 3 वीक्स अगो, प्याज खाते ही मैं वजीफा करने बैठ गया। प्याज खाते ही, खाने के साथ मैंने वजीफा किया, और उसके बाद वो प्याज मैंने शहजाद भाई को पैक करके जो एक थी, मैंने कहा ये भी ले जा, किसी काम की नहीं है मेरे, जो चीज़ यहाँ पे वो शहजाद भाई लेके जाते हैं, वो उनको पकड़ाई, मैंने कहा ये किसी काम की, लेकिन ये बात नहीं बताई। प्याज खा के बैठा, कुछ भी रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक चीज़ करके देखता हूँ कि जो ये बातें हैं ना लोगों से, इसके बजाय कि मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ यहाँ पे और मेरे को ये पागल करें, क्योंकि ये हसनैन भाई भी तीसरी चीज़ जो बतानी है इन्होंने कि ये आवाज़ें आपको पागल भी कर देती हैं। क्योंकि इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू कीप, अब मैं मसरूर भाई की एक ही आवाज़ सुनता रहूँ कि रजाली आजा, रजाली आजा, रजाली आजा, अगर ये आवाज़ मैं 5 लाख दफ़ा सुनूँ दिन में, इवेंचुअली क्या होगा, मैं मसरूर भाई के घर होऊंगा, क्या कहते हैं वो, क्या नाम है ये का, बर्नम नहीं, ब्रह्मौल पहुंचाऊंगा दरवाजे पे कि यार खुदा के लिए बुला लो, बंद कर दो, मेरी बस हो गई है, ठीक है ना। चीज ये कि फिर मैंने ऑफ एयर कॉलेज शुरू की है, जो मैं कर रहा हूँ अब, वो इसी वजह से शुरू की है, हाँ, टू कीप माई सेल्फ बिजी। और मैंने देखा है कि अगर मैं आउटपुट जारी रखूँ ना तो क्या होता है, तो वो इंटरफेरेंस नहीं होता। यस, अगर आप नोटिस करें मेरी अब ऑनलाइन स्टेटस, सुबह की मैं जल्दी सो रहा हूँ,
फॉर अ चेंज, देख रहा हूँ देख रहा हूँ, और आज मैं जल्दी भी उठ गया हूँ फॉर अ चेंज, प्रोग्राम टाइम पे शुरू हुआ है फॉर अ चेंज जी, और नींद भी अच्छी आ रही है और ख्वाब तो खैर आते ही हैं, मगर वो जो कैफियत थी ना खौफ वाली, जो रात को डराते थे टांग खींच रहे हैं, कभी बिस्तर हिल रहा है, कभी वो क्या कहते हैं डिओड्रेंट खुद ब खुद गिर रहा है कनस्तर का, कभी कुछ है पानी जो है ना क्या कहते हैं उठो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पानी पड़ा है जबकि पानी का कोई काम नहीं है, बोतल सील्ड है लॉक्ड है बंद है पानी की, पानी पड़ा हुआ है जब उठो 3 बजे दोपहर को, ये वहां पे मेरे ख्याल से इन्फ्लक्स हो गया है, इट नीड्स एन आउटपुट। अच्छा वो जब कान में जब पटाखे बजते तो वो बंद हुए नहीं? सब 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 बंद है, 2-3-4 दिन से जब से ये कॉलिंग का सिस्टम शुरू किया है ये बंद है, ये बंद हो गया, यानी कि कम हो गया, पटाखे पटोखे तो आते हैं अभी भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कभी ड्रम ढोल की आवाज आती है रात के टाइम, लेकिन वो बाकी चीजें सबड्यू हो गई हैं। और दूसरी चीज ये कि 28 में खौफ नहीं आ रहा मुझे अब, वरना मुझे खौफ आने लग गया था, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था लिविंग रूम स्टूडियो एंड बेडरूम या वो बाथरूम जैसे होता है, ज़ियारतों वाले कमरे में जाता नहीं था, कल मैं रात को ज़ियारतों वाले कमरे में भी बैठा सुबह के टाइम आधा घंटा बिल्कुल बैठा रहा अकेला ना अंधेरा करके, मैं कहा देखूं कुछ भी नहीं था, नथिंग, कोई तंग नहीं कर रहे थे, वो खौफ चला गया। अब बोलेंगे कि जी अगर इसके अंदर सियासी बयान ये होता है कि उनको काम पे लगा दिया है, लेकिन वो काम उनको पहले ही बहुत लगे हुए, हमने हमें सारी चीज़ें आती हैं इनको काम पे लगाने के लिए, काम पे बहुत लगे हैं, लेकिन मेरे से ये कि कम से कम जान कम हो गई। अब हसनैन भाई ये 3 चीज़ों का जवाब आप दे दो क्योंकि ये इल्मी चीज़ है, तो ये दीजिए अवैसी वाला जी। हसनैन भाई, हसनैन भाई म्यूट है। जो बात कह रहे थे ना कि हम सिलसिला अवैसिया में नहीं है, लेकिन जो हमारा तरीक़ेकार है ना कि हिदायत जो है वो मुस्तकिल आती रहती है, शेख सामने नहीं भी हो तो, कि अगर अली हज़रत साहब मर गए या अपना शाह साहब नहीं है या साईं जी नहीं है, लेकिन हिदायत रुकेगी नहीं, वो वहाँ से आती रहेगी, ठीक है, क्योंकि अब देखें उससे पीछे भी तो सिलसिले जुड़े हुए हैं ना, साईं जी से भी तो पीछे जुड़ा हुआ है ना, वो जब होते 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 एटिल जाएगा तो हज़रत अली तक रसूलुल्लाह तक, तो हिदायत जो है वो आती रहती है मुस्तकिल, एक बात। सेकेंड बात यह है कि जो एनर्जी है, कि जो तकरार है जो मुस्तकिल होती है, यानी आप इजाफा तो कर रहे हैं ना, वो जो वजीफा आप कर रहे हैं जो भी रियाज है वो एनर्जी तो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमारे वालिद वैसे बात होती थी तो वो जिस किसी शागिर्द को वजीफा देते थे तो निगाह रखते थे बाकायदा उस पर, मतलब सामने जैसे वो रोज़ मिलने आता तो तब तो देखते ही देखते थे उसको, लेकिन उसके बाद भी कि वो ऑफिस में या इधर उधर कहीं, और बड़ा क्योंकि ख्याल रखते थे कि गुस्सा गर्मी तो नहीं कर रहा, फाइटिंग तो नहीं कर रहा, मुंह से बात ऐसी तो नहीं निकल रही कि वो पूरी हो रही है और वो नुकसान दे रही है आवाम को, तो फिर बंद कर देते रियाज, फिर उसे छुड़वा देते थे रियाज को। तो एक बात तो ये जो बात है कि वहाँ पे रियाज जो है वो मुस्तकिल एनर्जी जनरेट करता है, मैं ही साइंटिफिक वे में बात कर रहा हूँ कि वो तकरार जो है वो एनर्जी जनरेट कर रही है, और उस एनर्जी को अगर आप, हमारे वालिद कहते थे कि ये कुआं है, कुएं से पानी निकाल के देते रहोगे आवाम को पिलाते रहोगे तो कुएं में पानी आता रहेगा, और जहां रोकोगे वहां इसमें काई पड़ जाएगी, बदबू आने लगी, तो इसमें फैज जारी रखना जरूरी है, तो बढ़ता है ये, एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो रजा भाई बात ही कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद आके एक, अब ये कैसे आता है ये मुझे इल्म नहीं है कि कितनी तादाद होती है, एक तरह का मेजर भी नहीं करते, लेकिन मैंने एक ये देखा है, वालिद को भी देखा और अली हैदर साहब को भी देखा, कि उसके बाद आप उन्हें प्याज खिला दें, आप सिरके वाली प्याज जो सुन्नत समझ के लोग खाते हैं डिबो देते हैं प्याज महक मर जाती है, वो खिला दें, चार खिला दें, वो कलेजी खाली एहतियात करते थे, लेकिन अगर कहीं खा भी लिया तो फिर वो वजीफे पे कुछ होता नहीं था उन लोगों के, वो एक सर्टेन टाइम के बाद एहतियात वो अपने तौर पे करते थे कि मुर्गी पसंद नहीं करते थे वैसे, लेकिन ये कि अगर कहीं शादी में गए हैं या कहीं हैं तो खा लिया तो कोई इतना इशू नहीं है उस पे, लेकिन वो वाली बात, वो पाबंदी शायद ख़त्म हो जाती है, या आप ये समझ लें बुनियादी तौर पे, मैं उसका एक रीज़न ये बताऊँ कि बुनियादी तौर आपका कल्ब है वो आदि हो जाता है, फिर वो जबान, क्योंकि जबान अलग चल रही होती, दिल अलग चल रहा होता, दिमाग अलग सोच रहा होता है, वो सब एक सीक्वेंस में आ जाता है ये सब कुछ। क्या तो शायद, तो क्योंकि हम आदमियों का, हम आम लोगों का ना,
देखिए हमारा मसला होता है रियाज करने बैठते, जबान से रियाज कर रहे होते हैं बिस्मिल्लाह, चाहे दिल में पढ़े, हम कह रहे होते दिल में पढ़ रहे हैं, हमारी जबान चल रही है, लेकिन हमारा दिमाग हमारा दिल अलग तरीके से सोच रहा होता है, दिल अलग सोचता है। अब तो एक बात है कि दिमाग अलग सोचता है, दिमाग नफी करता है क्योंकि दिमाग जो है वो लॉजिकल चलता है। तो जिस वक्त ये तीनों एक लाइन एंड लेंथ में आ जाते हैं ना कि जबान से वही अदा हो रहा है जो कुरान कहता है, बुनियादी तौर पर ये सारी बातें कुरान कह चुका है ना कि वो लोग जो इबादत करते हैं उठते बैठते लेटते हर हाल में अपने अल्लाह को याद रखते हैं, तो उनकी ये तीनों चीजें एक लाइन एंड लेंथ में आ जाती हैं। एक बात, फिर जो बात इसमें निकली वो बातें निकली कि विजडम है या अकलमंदी है या दानिश है ये क्या है, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि ये इल्म जो है हम नाजिल करते हैं, यानी आसमान से कहीं से उतरता है, यही कुरान उतर, वो जब पढ़ते हो आपको जो है चीजें उतरती हैं आपके अंदर, चीजों से मतलब मलाइका मौकिलात तो बहुत बचकाना चीज है, ये उतरता है आपके अंदर, यही तो मुसीबत है। बोलो 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 चंदा बोलो, ये गुड पॉइंट। अब वो कुरान जो देखें वायत है अलीमुम बिजात सुदूर, अल्लाह ने कहा कि हम ये इल्म जो नाजिल करते हैं अपने बंदों के ऊपर ये उसके दिमाग पे नाजिल नहीं करते, भेजे में नहीं करते, हम ये इल्म उसके कल्ब में नाजिल करते हैं, दिल में नाजिल करते हैं। तो ये इल्म आता है, अब आप उसे विजडम बोल लें, अब उसको आप दानिश बोल दें, अब आप उसे अकलमंदी बोल दें, ये इल्म तो अल्लाह की आता है, वो नाजिल करता है अपने बंदे के दिल पे, फिर जबान बोलने लगती है वो चीज। अच्छा एक चीज ये बताएं मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट, ये इल्म जो है यही एनलाइटनमेंट है या एनलाइटनमेंट के बाद इल्म आता है? देखें ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, जब वो इल्म नाजिल कर दे। अच्छा उसको वो हाकिम आला है भाई, हाकिमियत उसकी है, वो उसे पाबंद भी नहीं कर सकते कि काउंटिंग के फेज में कि इतने करोड़ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ये वो काबू आ जाएगा, ये भी नहीं है। मतलब अगर आप ये बात कहें फॉर एग्जांपल, अगर ये बात अभी आमलीन की बात अगर शुरू कर दी जाए कि वो जी बिस्मिल्लाह हमने 10 करोड़ दफा पढ़ लेंगे तो अल्लाह मियाँ इस राम हो जाएंगे हमसे, मतलब अल्लाह मियाँ ना हो गए वो, अब नाउज़ बिल्ला वो कोई जंगली दरिंदा हो गए, टाइगर वाइगर और शेर वेर ये रोई का गोला हो गया, राम नरम हो जाएंगे कि हम, हाँ जैसे शेरों को करते हैं कि बॉइल मीट भी नहीं खिलाते, वो दूध और रोटी पे रखते हैं, कहते हैं वो गोश्त की महक भी जाएगी तो वो वाइल्ड हो जाएगा। देखें अल्लाह काबू में नहीं आ सकता, अल्लाह अल्लाह है, वो हाकिम आला है, वो टेम नहीं हो सकता नाउज़ बिल्ला कि आप उसे कोई मतलब ये समझे बिस्मिल्लाह जो है वो गोली मिठाई है कि 2 करोड़ दफा दिखाऊंगा तो वो आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, वो हर एक के साथ है। एक चीज और बताइए, ये रजा भाई जो कह रहे हैं कि मुझे खौफ आता है, ये खौफ क्यों आता है? भाई देखें बुनियादी तौर पर इसमें मेरी एक दफा बड़े शादी से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा जो हम, मैंने ऐसे खौफ की बात की उनसे ऐसे, कभी कभार एक अजीब किस्म का खौफ फील करती है ह्यूमन बॉडी जो है, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि चांद इस वक्त रूह की आमद होती है ना, अरवा आती है जी, तो खौफ फील करता है एक अजीब किस्म का आदमी, जिन्नात से नहीं होता वो खौफ। अच्छा जब जिन्नात का खौफ नहीं होता, हाँ उन्होंने कहा जिस वक्त अरवा आती है ना, क्योंकि अरवा पूछ के थोड़ी आती है कि फलाने की रूह आएगी फलाने की जाएगी, बदरू आ रही है या गुजर रही है या नेक रूह गुजर रही है, उन्होंने कहा उसकी हैबत अलग होती है बॉडी के ऊपर, जिनों की नहीं होती है वो कैफियत। क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारा जो सिस्टम है इसमें जिन हम दूर रहते हैं, क्योंकि उनको हमारे ऑर्बिट में ना एनर्जी ऑर्बिट में आके ना काबू होने की डर होता है, वो हमारे एनर्जी ऑर्बिट से दूर रहता है। अच्छा वो हमारे पास नहीं आना चाहते, हमारे ऑर्बिट के अंदर, हमारा ऑर्बिट उसको खींच लेता है। अच्छा जिन हम, जिन हमारे ऑर्बिट से दूर रहता है क्योंकि हमारा एनर्जी जो है वो ज्यादा है उससे, वो उसकी एनर्जी को पकड़ लेती है। मैं एक बात बता, तो वो डरता है जिन्नात मैं मसलन भाई बात करके फिर आप बात करना, जिन्नात का मसला ये है कि जब आप क्या कहते हैं उसको, जिन्नातों का क्योंकि सरदारी निज़ाम है ना, ये बात मैंने पहले भी कही है काफ़ी पता नहीं, जी जी बिल्कुल पहले बताया, सरदारी निज़ाम है ना, तो इनके अंदर जो है मसला ये कि इंफॉर्मेशन खाना ये सैकड़ों के हिसाब में खाते हैं,
ये अकेले वकेले नहीं खाते, दो दो आदमी एक एक आदमी, ये खाएंगे तो 100-100, हाँ 100-100, 200-200 आदमी, और ये अरबों वाले स्टाइल से खाते हैं बड़े थालों में, जैसे कि टेबल नहीं है ये बड़ा टेबल, 6 आदमी का 8 आदमी का गोल थाल होते हैं, उसके अंदर खाना बड़ा होता है, और ये खाते भी जो है ये उस तरह का खाना खाते हैं जैसे अरब खाते हैं, मोटे मोटे बोटे और चावल जी, चावल खुला चावल, मोटे मोटे बोटे और चावल, और मिठाई के टोकरे उसके बाद खाते हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं ना थाल, इतना बड़ा थाल है, अब समझ लो टीवी के ऊपर कैसे नजर आएगा, यानी कि इससे 10 गुना ज्यादा कर लो, यानी कि 8 आदमी की राउंड टेबल जो शादियों में होती है, इतने बड़े बड़े थाल होते हैं, उसके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से खाना खाते हैं। तभी आपने कहा था कि मिठाई की दुकान पे बहुत जिन्नात आते हैं, मिठाई की दुकान पे जिन्नात जाते हैं और टोकरों में उठाते हैं, ये किलो आधा किलो वाले लोग नहीं है, इनके साथ मामला ये होता है कि अभी बताना शुरू करो इनके बारे में तो कट करते हैं पीछे से, आज मैं फिर भी बताऊंगा जरूर कुछ भी गल है। चीज ये है कि ये क्योंकि इतने ज्यादा इनके यहाँ आमद और रफ्त इतना ज्यादा हम आहंगी होती है, इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर होती है, जहाँ 50 आदमी होंगे एक आदमी खबर लाया कि भाई शहजाद भाई का माइक नहीं चल रहा, एग्जाम्पल 50 आदमी के कान में चली गई, 50 निकले वहां से, उस एक एक आदमी ने जाके अगले 50 को बताया तो कितने हो गए, 50,000 हो गए या 5,000 आदमी हो गए, खबर पहुंचती है। हमारे खानदान की रेपुटेशन जो है ना जिन्नातों में, अब ये कह लो कि अच्छी नहीं है या बुरी है, दोनों तरफ जो है ये रेपुटेशन की बात है कि वो पसंद नहीं करते इस घराने को, यानी कि उनको पता है कि इनका घराना जो है, ये नहीं कि ये काबिज कर लेंगे, उनको ये डर नहीं होता, हसनैन भाई को बात कर रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, उनको डर नहीं है कि हम काबिज कर लेंगे, ठीक है ना, उनको ये पता है कि अगर ये करने पे आए ना ये कुछ भी कर देंगे, खाली काबिज का डर नहीं होता, क्या कहते हैं उसे जिन्नात को, जिन्नात को और भी डर होता है, किसी एक काम पे खाली लगा देना लाजमी नहीं है कि कब्जा हो। शहजाद भाई यहाँ उठते बैठते हैं, बहुत क्लोज हैं सबको पता है, शहजाद भाई यहाँ उठते बैठते हैं, इनको मैं सिर्फ एक काम पे लगा दूँ कि रोजाना आके यहाँ कुर्सी एक साफ करके जाए शाम के टाइम 5 बजे, ठीक है ना, ये नहीं है कि मेरा इनके ऊपर कोई जोर है, जबरदस्ती है या ये कि कुछ है, मगर अगर जिन्नात होगा ना तो वो रोजाना आके वो एक कुर्सी साफ करके जाएगा, मेरी गुलामी में नहीं होगा वो, वो सिर्फ एक काम करके, उनको ये डर होता है ये किसी भी काम पे लगा देंगे, अपने पास नहीं रखते ये, उनको अच्छी तरह बताइए ये अपने पास नहीं रखते, और सबसे ज्यादा डर होता है आदमी को वहां पे जहां पे ये पता हो ये कुछ भी करवा सकते हैं ना, वहां से भागता है आदमी, काबिज होने का डर नहीं होता, काबिज होने के लिए तो 50,000 लोग हैं जो इस चक्कर में पड़े हुए, सूरह जिन और सूरह वो क्या सूरह कैफ पड़े जा रहे हैं, लोग कुछ सूरह नास से करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मिक्सचर ऑफ सूरह कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काबिज भी हो रहा है और रिहाई भी मिल जाती है उसको कोई किसी ना किसी चक्कर से, लेकिन उनको ये पता किसी एक धंधे पे ना लगा दे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मसला ये है कि हमारा पढ़ने पढ़ाने वाला सिस्टम ज़रा सा, अब ये नहीं कह सकते कि खतरनाक है, इट्स अ बिट हाई एंड, यानी कि होता है ना हर चीज का एक हाई एंड होता है, पढ़ने पढ़ाने वाला निज़ाम हाई एंड है, उनको डर भी लगता है कि ये ना हो कि ये नुकसान पहुंचा दे हमें या हमसे कोई गलती हो जाए, जिन्नात है ना सरदारी निज़ाम है तो वो पढ़ने पढ़ाने की वजह से उनको डर होता है कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए कहीं, क्योंकि उनको एक बात अच्छी तरह पता है कि ये हमसे कुछ नहीं करते, ना ये इंटरेक्ट करते हैं, ना बात करते हैं, ना सोचते हैं, ना देखते हैं, ना पूछते हैं, ना बताते हैं, यानी कि होल सोल जो है, जब आदमी को पता हो कि आप 28 के अंदर दाखिल हो रहे हो और आपकी मर्जी हो गई है ख़त्म, आप आँख भी नहीं खुजा सकते, अपनी कान में भी उंगली नहीं डाल सकते, जिसका घर है उसकी मर्जी के बगैर, ऐसे मौके पर क्या करते हैं, सीन से सयाना काब से गलती, ऐसी जगह जाते ही नहीं है, ये मसला है जिन्नातों के साथ, हैं? You avoid that thing. हमारे अब्बास के ज़बान से आपने वर्ड जिन बहुत कम सुना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने नहीं सुना, ना अंकल के नाम मुंह से तो सुना ही नहीं, सुना ही नहीं है, डैड के मुंह से वो बात ही नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि ये एक वाहिद मखलूक है जिसको हमारे घर के अंदर हम, यानी कि कोई बड़ा छोटा, बट गैब की मखलूक में हमारे जो क्राइटेरिया होगा ना, एक बैंड ग्राफ बना होगा, ये इतना होता है, दैट्स इट।
और कुछ भी नहीं है इसके बारे में, इससे ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया है, इनसे भी, इनसे भी से मतलब उतार के भी देख लिया, चढ़ा के भी देख लिया, रख भी लिया, रखवा भी लिया, काम भी लेके देख चुका हूँ। ये देहले काम के नहीं होते, ये देहले काम के नहीं होते, यही मेरे अब्बा के वर्ड्स हैं। जब ताए अब्बा ने कहा था हाँ भाई आपके पास तो जिन्नात है, कह रहे हाँ भाई हैं तो जिन्नात मगर देहले काम के नहीं है। बस ये चीज है, ये देहले काम के नहीं होते, हमारे किसी काम नहीं आते ये। अब हसनैन भाई जी जी बोले मसरूर भाई, सॉरी। दूसरे लोग तो यूज करते हैं, दूसरे लोग यूज करते हैं क्योंकि चीज ये है कि मर्जी है, मर्जी भी है, पास आप जैसी इल्म नहीं है। नहीं, वो चीज ये कि हाई एंड रियाज नहीं है ना। हाई एंड रियाज नहीं है, हाई एंड रियाज नहीं है। और फिर वो ये कि उसी को वो सब कुछ समझ लेते हैं। और मसरूर भाई जो आप कह रहे हैं ना कि लोग करते हैं, तो इसमें हैदर साहब की मैं बात कोट कर दूं, एक पता नहीं कोई बंदा था वो जिन में काबू करने के चक्कर उनसे कुछ वजीफा मांग रहा था, और ये अदर साहब ने उससे कहा कि ये लोग समझते हैं कि हमने जिन काबू किया, वो जिन काबू नहीं करते, जिन उनको काबू कर लेता है। जिन उनको काबू कर लेता है, जिन उनको काबू कर लेता है, जिन उनको काबू कर लेता है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। ये चीज है। और मैं फर्क बयान कर दूं अब वाइज और विजडम का, और राइट थिंग और रॉन्ग थिंग का। अब मैं आपको हाइपोथेटिकल मिसाज दे दूं चैट से। अब जैसे कि क्या कहते हैं उसको, थ्री स्टूजीज है और ईमान है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, माइंड ना करना दोनों, ठीक है ना, या ताज वाली बाजी है, इनके बीच में चैट में लड़ाई हो जाती है और बहुत शदीद लड़ाई हो जाती है ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पे भी, मसरूर भाई तो हर चीज़ में है, और मेरे पे बात आ जाती है कि आई हैव टू डू द राइट थिंग, रिजॉल्व इट, यानी कि राइट थिंग से मतलब एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को रगड़ दिया ना, अब वो ये कि दोनों में से एक रहेगा यहाँ पे, तो फिर होगा कि ये कि आई विल डू द राइट थिंग, फिर मैं ये नहीं, जबकि दोनों मुझे ताहिरा की तरह अजीज है, लेकिन टू डू द राइट थिंग आई विल डू द राइट थिंग। ये जो मामला है ना, ये समझाना बहुत मुश्किल है आदमी को। लोग बोलते हैं कि जी ये अपनी मर्जी नहीं होती इसके अंदर, विजडम इज नॉट मर्जी, विजडम इज द राइट थिंग, इज बीइंग वाइज, इज बीइंग जस्ट, और ये समझ में नहीं आ सकता। इसका मतलब विजडम में आप, यू आर कंट्रोल्ड बाय सम अदर थिंग, यू आर कंट्रोल्ड बाय द लॉज गवर्नड बाय दैट थिंग। देखिए भाई, जालिम नहीं हो सकता ना, जालिम नहीं हो सकता, जालिम नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जालिम भी हो सकता है अगर उसके अंदर राइट थिंग हो, राइट थिंग से मतलब अब थ्री स्टूजीज के साथ जुल्म हो रहा हो, ये वो बोलेगी कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, यूं हो गया, लेकिन वो राइट थिंग ये कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि ईमान को तो आपने बहुत हर्ट कर दिया ना, या ईमान ने उसको हर्ट कर दिया, या कप वाली बाजी ने, या नो डोर ने, या गुलाब चंद ने, किसी के भी आपस में झगड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये क्या कहते हैं उसको, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, बट द थिंग इज दैट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज फॉर द राइट थिंग देयर हैज टू बी अ राइट टाइम एज वेल, बिकॉज ठीक है आई माइट नॉट बी बाउंड बाय टाइम, बट आप जिस दुनिया में, आप जो आम बच्चों में, घरों में रह रहे हो, यह टाइम बाउंड चीज है। जी, मैं क्यों कहता हूँ एक घंटा दे दो मुझे, चार दिन दे दो, जुम्मे तक दे दो, मंगल तक दे दो, पांच दिन दे दो, क्यों? आप वक्त की कैद में बंधे हुए हो, और उस वक्त पे थोड़ी सी हमारी इजादारी है कुरान की वजह से, जो हाई एंड रियाज है। अब समझ में आया मसरूर भाई? मैं समझ गया, समझ गया, बहुत उम्दा, बहुत डीप आपने बताया। अच्छा एक बात बताए, कोई हमसे पूछ रहा है ऊपर में, वो कह रहे कि क्या ऐसा भी होता है कि जिन हमारे पास हो और उस पे काम कोई दूसरा ले उससे? मुझ जैसा होगा तो ले लेगा, वरना नहीं। उसके लिए फिर कैलिबर चाहिए, उसके लिए कैलिबर चाहिए, या ये कि मैं बोलूंगा कमाल भाई या मुझ जैसा हो, वो किसी से कुछ भी करवा सकते थे, अब्बा हमारे इस चक्कर में नहीं पड़ते थे, लेकिन कमाल भाई और मुझ जैसा हो, वो किसी से कुछ भी करवा सकते थे। देखिए मैं एक बात बताऊं मसरूर भाई, अगर मैं राइट थिंग ना करूँ ना, तो इतनी रॉन्ग थिंग्स हैं करने को कि मैं बता नहीं सकता। शहजाद भाई की मर्जी के बगैर इनसे इतने काम ले लूँ, इनको पता ना चले, एक बाद में समझ में आए कि ये हुआ क्या है। That's why you have to have wisdom in you to do the right thing. If you don't do the right thing, then what happens is आप आलम-ए-उलवी से
आलम असफल में चले जाते हो, लाजमी नहीं है कुरान उल्टा पढ़ा जाए सिफली के लिए, आपके एक्शंस ही इस रास्ते में आपको अफसल में पहुंचा देते हैं। मैं हसनैन भाई से गलत काम लेने लग जाऊं इनकी सोच को क्या कहते हैं उसे वो करके, वो कौन सा वर्ड है, तस्खीर करके, मुसाफर करके इनको पता भी ना चले, लेकिन फिर क्या होगा भाई, यही हराम हो जाएगा, यही हराम हो जाएगा, वो एक्ट ही हराम हो जाएगा, वो एक्ट ही हराम हो जाएगा। इस वजह से विजडम हैज टू कम विद द रियाज। अगर आप बिस्मिल्ला 12 बजे रात को 12 महीने तक पढ़ रहे हो और दिन में आप वही झूठ सलूट और सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो भाई बेहतर ये है कि उस नमाज से बेहतर सो जाना बेहतर है, सो जाना बेहतर है। देर इज़ अ फुल पैकेज ऑफ दिस, इट हैज़ टू बी फुली राइट, अदरवाइज देर इज़ नो, ये रॉन्ग का एलिमेंट ना हो इसमें, दैट्स इट। झूठ थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि इंसान है वो होता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, द मेन थिंग इज नुकसान, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि उस वो आप अदल में ले आते हो। गुना सवाब तो सब करते फिर रहे हैं, आखिरत में देखी जाएगी कि जहाँ सलमान खान साहब कटरीना कैफ होंगे हम भी वही मंडला रहे होंगे, गुना सवाब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विजडम जो है हमको रोकती है, आपको रोकती है किसी गलत काम को करने से? यस, ओनली डू द राइट थिंग, ओनली डू द राइट थिंग, यू हैव टू डू जस्ट। देखें इसका लॉ ये है कि आइदर यू डू द राइट थिंग और यू डू नथिंग। अब इसी मिसाल को दोबारा ले आऊं कि क्या कहते हैं उसको, वही खाने वाली बाजी, थ्री स्टूजीज और ईमान और लारेब लारेब, नो डोर से लेके जाज पे व्हील, सब इनकी आपस में फुल ग्रुप लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को गालियां दे दे ग्रुपों में, यानी कि तूफान बदतमीजी माँ बाप को बहन भाई को जो हो सकता है वो कर दें अपने आप को, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये कि आई डू द राइट थिंग, कि जिसने जिसके साथ गलत किया इनिशियली दैट विल बी द सीड, उनको फिर वो राइट थिंग ये होगा कि भाई आप नाइस नोइंग यू, राइट थिंग यही होगा ना, ठीक है ना। इसके अंदर ये तो नहीं है कि माफ़ी तलाफी हो जाए, माफ़ी तलाफी की गुंजाइश रूहानियत में नहीं है, रूहानियत का कानून ये कहता है कि गलत करो ही क्यों, और फिर बोलेंगे जी इंसान है, छोटी मोटी गलती चल जाती है इंसानों से, लेकिन किसी की बेइज्जती माँ बाप की बेइज्जती अलाउड नहीं है। ये चीज़ है, कीप इट पर्सनल और प्रोफेशनल, बट यू डोंट इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर उसका दूसरा ये है कि मैं अगर राइट थिंग ना करूं तो मैं इसी मसले को सिस्टर जायरा के पास फेंक दूं कि आप ही हल करो, आप जानो ये जाने, जान छुड़ा लूं, यानी आई डू नथिंग और आई ओनली डू द राइट थिंग। इफ आई टेक द राइट स्टेप इन दैट, तो यानी कि चार आदमी थे उसमें से दो आदमी तो जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे दो आदमी तो जाएंगे ही जाएंगे। एक मिनट, इसीलिए जो है हर आदमी जो हसनैन भाई कह रहे थे वो तो अली हैदर साहब की बात कर रहे थे कि तय्युलत अपना टैग रखता है साथ, कि कोई इस तरह का मसला हो जाए तो अक्सर होता है, ग्रुप है सब कुछ होता है, तो मैं शहजाद भाई को या सिस्टर जायरा को कहता हूँ कि मैनेज कर लो किसी तरीके से, हम आहंगी इख्तियार करा लो, क्योंकि मैं हम आहंगी नहीं करवा सकता, मैं समझा नहीं सकता किसी को कुछ, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट थिंग, दैट इज नॉट द राइट थिंग। मेरा समझा, मेरे डैड बैठ के समझाते नहीं थे किसी को कुछ भी, बिकॉज दैट वाजंट द राइट थिंग। ये मसला है। अब बोलो हसनैन भाई, सॉरी भाई, वो जैसे ये रजा भाई बता रहे हैं ना, तो हमारे वालिद यार ये दरसाबदार बता, ये सब लोग लाइन के लोग थे, वो कहते थे बहस मुबहसे से बचो, बहस मुबहसे का नहीं करो, फौरन गायब हो, बहस मुबहसे में फंसता है आदमी। जी मसरूर भाई, अच्छा एक नेक्स्ट टॉपिक भी मसरूर भाई आपने कहा था उसका फिर वो कर लेते हैं, तो क्योंकि रैप अप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो वो भी कवर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत। नहीं उसमें एक चीज में अभी मैं सोच रहा हूँ, आज बहुत टाइम कम रह गया जन्नत के लिए, जन्नत के लिए तो बहुत ही कम टाइम है, जन्नत तो वहां भी थी यहाँ भी है, ऐसा मत करो। जन्नत मसरूर भाई आपको एक जोक सुनाऊं, जन्नत हमारी चैट के ऊपर अभी नजर आ जाएगी, लड़की है यंग और आपको लाइव बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ताहिरा की टीचर है। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जन्नत कब मुझे फोन करे कि क्या कहते हैं अंकल माय वेट इज इंक्रीज्ड।
हद हो गई है। नहीं, मैं ये कह रहा था रजा भाई कि ठीक है, आपने कहा कि रियाजत तो इबादत की वजह से ही ये चीज होती है, डिवाइन गाइडेंस आती है, तो ये मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ रियाजत इबादत। मेडिटेशन जो है, अगर ये कहा जाए कि ये इसका जुज है या पार्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके इबादत का जो पार्ट है वो जिक्र फिक्र है। मेडिटेशन इज नॉट द की, जिक्र इज द की। जिक्र मतलब मुंह से उसका 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 नाम लेना। हाँ, मुंह से उसका नाम लेना। जिक्र में तस्करी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिक्र फिक्र की। हाँ जिक्र जिक्र अल्लाहू जैसे लिखा। इल्लल्लाह, वो जो है वो पार्ट है। मेडिटेशन इज नॉट द की। अच्छा, ये किसी भी मेडिटेशन मजहब वाला, कोई भी मजहब वाला कर सकता है, हो जिक्र फिक्र कोई भी कर ले, क्या है। कोई भी कर ले, बुद्धिस्ट कर ले, हिंदू कर ले, क्रिश्चियन कर ले, कोई भी कर ले। जिक्र फिक्र, हाँ जिक्र फिक्र कोई भी कर सकता है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब है, हवा की जर्ब है और अल्लाहू की जर्ब है। तीनों चीजें सोर्स्ड हैं और रब्बुल आलमीन है, कोई भी कर ले। अच्छा, एक सवाल मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मौलवी होता है, या जैसे मैं मौलवी हूँ, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, जिसको कि कुरान और हदीस और इन चीजों का इल्म है, थोड़ी देर के लिए मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, इसको क्यों नहीं विजडम आती है। मैं एक मिनट मसरूर भाई, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प दिस वन। एक जमाना था मसरूर भाई की हमेशा से दाढ़ी रही है, इनको 289 में और हर जगह मुल्ला कहा करते थे घर के अंदर। डैड मेरे, हाँ भाई मुल्ला आ गया, आ जाओ, है ना, यही था ना, अब याद आ गया मुझे। कहते थे और ये कहा करते थे कि अल्लाह तआला उनको जन्नत वो करे, उनके दर्जात बुलंद करे, कहते थे भाई मुल्ला को मैंने इसलिए रखा है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो सारे ड्यूटी कर सकता है, और अगर किसी का कोई इस दुनिया से अगर चला गया तो अभी नमाज पढ़ा सकता है जनाबे। हाँ सॉरी जी मसरूर भाई, पूछे कहा करते थे, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट मुल्ला ऑल माय लाइफ विद मी। जी पूछे मसरूर भाई, पूछे। तो ये बताए, तो ये मौलवी के और सूफीज्म में ये फर्क क्यों है। सॉरी मुझे समझ में नहीं आया है, क्या कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौलवी होता है, जिसको कि सिर्फ नमाज और शरीयत और कुरान की तिलावत और ये सब, वो ये चीजों में नहीं पड़ता जो आप कह रहे हो, जिक्र और फिक्र इन हैं। चीजों में नहीं पड़ता, तो उसमें उसमें ये विजडम नहीं आ पाती है। नहीं, एक मैं बात बता दूं, कुरान पढ़ने वाले को ना, ये मैं एक अजीब बात बता दूं, भले वो मौलवी हो, भले कारी हो, भले वो क्या कहते हैं उसे हाफिज हो, भले वो उसकी तर्जुमा करने वाला हो, या वो तशरीह लिखते हैं राइट हैंड साइड पे ना, लेफ्ट हैंड जी साइड पे पेज तफसीर पे, तफसीर 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 करने वाला हो, या ये कि कुरान को हाथ से लिखने वाला हो, या प्रिंट करने वाला हो, या ये कि प्रिंटिंग मशीन पे काम करने वाला हो, ये कुरान की खूबी होती है, ऑटोमेटिकली उसको लाजमी सी चीज है, थोड़ी बहुत विजडम अपने कैपेसिटी में उस काम की वजह से आ जाती आती है। ये कुरान का मौजा है, ये मौजा है। अच्छा, ये मौजा है। सही। अगर एक आदमी जो है वो पेश इमाम है और कारी है या हाफिज है, अमूमन पेश इमाम वही बनते हैं जो कारी हो या हाफिज हो या कोई उस चीज में कुरान में एक्सपर्टीज, कोई ना कोई खूबी हो कुरान की उनके पास, ठीक है ना, तो पेश इमाम बन जाते हैं, किसी मस्जिद के नमाज पढ़वाते हैं, वो समझ लो कि दैट इज बीइंग वाइज। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मजाक नहीं है 500 आदमी पीछे बिठा के नमाज पढ़वा देना, हमारी इतनी जरूरत नहीं है, हम अपने पीछे एक आदमी को नमाज पढ़वा दें। हम तो जब नमाज हो जाते हैं हम सबसे पीछे वाली सफ में खड़े रहते हैं, कोई हमारे पीछे नमाज ना पढ़ ले। इस पे मैं हसनैन भाई ये सवाल लिख लो, इस पे आप बात करोगे। दूसरी चीज़ जो उसके साथ है वो ये है कि देखें, हर जगह देर आर ब्लैक शीप, हर जगह देर आर ब्लैक शीप। कुछ लोग जो है या लतीफों पढ़ा के ब्लैक शीप बने हुए हैं, कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं उसको, हिफ्स करके ब्लैक शीप बने हुए हैं। और अगर आप बोलेंगे कि जी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बात हम भूल जाते हैं कि कुरान का नाम पहले जो है कुरान फुरकान था, वो फ़र्क बयान करती है।
जी जी बिल्कुल सही बात तो है या तो जी। वो इधर कर देती है या उधर कर देती है। जो उधर कर देती है वो समझ लो असफल के जाविये में चले गए। भाई सिफली का प्रैक्टिशनर क्या होता है, कोई लाजमी नहीं है कि गंदा बगैर नहाए हुआ, बगैर मुंह धोए हुआ, नाखून बढ़ा हुआ, कल्ब और अंदर से भी तो पलीती होगी उसके, बेशक ऊपर बेशक से साफ सुथरा फर्स्ट क्लास शहजाद भाई को देखो चमकीला वो पिंक रंग का पहने हुए, क्या पता अंदर से जो है वो क्या बोलते हैं क्रूल इंटेंशन हो। तो ये सिफली के जाविये में चले गए ना, पढ़ तो या लतीफ हो रहे हैं मगर सोच में क्या है, सोच में क्या आ गई है, सोच में खराबी आ गई सोच है, में खराबी गलत आ आ गई, गया तो या लतीफों भी काम कर जी। रहा है। और फिर ये भी कह सकते हैं कि जी रजत रजत वजत का नहीं है, मगर चीज़ ये है कि आप खुद जो है कुरान को बिस्मिल्लाह को सीधा लिखो तो आप उलवी में हो, उल्टा लिख दो तो असफल में चले गए। सिफली अब दूसरी तरफ उसी बिस्मिल्लाह को पढ़ के यू डू द राइट थिंग्स, यू डू द राइट थिंग्स, यू लुक आफ्टर पीपल, यू ऑलवेज स्टैंड फॉर द राइट, और हक और सच की बात करो, कोई गलत काम ना करो तो आप असफल में रहोगे। वही बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सारे औंधे काम करो, वही बिस्मिल्लाह आपको उल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको असफल में ले जी। जाएगी। ये चीज़ अच्छा मैं सवाल वो पूछ लूँ जरा सा हसनैन भाई से। हसनैन भाई, रजा भाई ने कहा कि आप लोग जो है अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो सबसे पीछे खड़े होते हैं कि मेरे पीछे कोई नमाज ना पढ़ ले, ये क्यों ऐसा है? भाई रजा भाई इसमें बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी हो जाती है अगर आपके पीछे कोई खड़ा होगा तो, और आप लोग रूहानी लोगों की। हाँ हम अपनी जिम्मेदारी मुश्किल से उठाने पर राजी होते हैं यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते है ना, हम अपनी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते तो दूसरे की क्या उठाएंगे क्या यार बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये बिल्कुल अदर एंड है ये सूफीज्म का। हालांकि जो दूसरी कम्युनिटी है मुल्ला कम्युनिटी, वो तो चाहता है मेरे पीछे कितने लोग पढ़ ले वो ज्यादा अच्छा, वो समझता है जन्नत जाऊंगा। नहीं वो चीज ये है कि अगर आप असल में मसरूर भाई जो आप बात कह रहे हैं ना, जो आप बात कह रहे हैं इसके लिए अल्लामा इकबाल कहा था, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती है अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको जिसकी रगो पे में फकत ये किरदार। क्योंकि मुल्ला जो है उस जबानी बात कर रहा होता है, क्या बात कह ये रहे दोनों हैं प्रैक्टिकली बात दोनों चीज है ना, इसलिए बात है कि दोनों साथ होंगी तो चलता है गेम, वो विजडम तब आती है, अकेले नहीं आएगी कि आप थ्योरेटिकल मुल्ला की तरह बयान किए जाए। इस्लाम बस बयान हो रहा है सुबह शाम हर मस्जिद हर मेंबर से, इस्लाम का बस बयान हो रहा है, अमल नहीं हो रहा इस्लाम पे, तो ये अंजाम है जो आपके सामने है। इसका मतलब ये हो गया रजा भाई, आप लोग ये कह रहे हो कि वजीफा या जिक्र फिकर मस्ट अकॉम्पनी गुड इंटेंशन, इंटेंशन आपकी क्लीन होनी चाहिए। आप सबसे अगर पहले ये नहीं होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। वजीफा करने से पहले, वजीफा करते वक्त मैं एक बात बताऊं, सब लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, और सब यूथ है और ओल्ड पीपल भी हैं, यानी कि मिड एज भी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कि वजीफा करते वक्त सबसे पहले तो ये यकीन पैदा कर लो कि यह अल्लाह की इबादत है, और अगर इस यकीन को इतना पुख्ता कर दो तो फिर आपको दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेशक फिर वो खुद ही आपके लिए काम करता है। अब उसको बोलो कि जी मलाइका मौकिलात काम करते हैं, वो तो मैं वैसे करवा दूं बगैर मलाइका मौकिलात के यार ठीक है ना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, कमाल भाई वैसे ही करा देते थे काम 90%, हमारे अब्बा का तरीका था, लंबी लंबी पढ़ाई है और ये वो, लेकिन कमाल भाई जो है वो वैसे ही, मैं भी वैसे ही चल रहा हूँ जैसे कि जो हो गया हो गया। जो रजा भाई बात कह रहे हैं ना हमारे वालिद का और रजा भाई का तरीकेकार ये था, वो कहता हमारे पास आया क्यों है, जग मारने को आया है, हमें अल्लाह ने क्यों पार दिए, इस्तेमाल करने के लिए दिए ना, जहेज में ले जाएंगे। लेकिन वजीफा करने के लिए जो चीज ये कि एक तो ये डिसाइड कर लो कि आप जो है क्या कहते हैं अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ठीक है ना, वही आपका खालिक है, उसी के पास जाना है, उसी ने भेजा है, ठीक है ना। अब ठीक है हालात नहीं है, देखें मैं एक बात बताऊं, मेरा 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 जो दिल है ना, दिल तो मेरा टारगेट जो है वो शहजाद भाई ने एक बात कही थी, और क्या कहते हैं, मैंने कहा शहजाद भाई, मैंने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये होगा या नहीं होगा,
लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं उसकी, लेकिन वो बात अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, कोई दिमाग में सोच है एक हमारी ना, एक विजन है, यानी कि विजनरी है तो विजन है, बाकी अल्लाह का काम है करना। मगर एक चीज़ है कि जितने लोग हमारे साथ मुंसलिक हैं उनके खाने पे रात के टाइम या दोपहर के टाइम कम से कम भी 2 से 3 किस्म के खाने हो तो बात बनती है, फिर मैं मानता हूँ कि यस कि अल्लाह का जो है ये खाली क्या कहते हैं उसे सिफाती नाम नहीं है, ये बासर सिफाती नाम है, फिर मैं मानूंगा इस बात को। और यही मेरा टारगेट है, जितने लोग हैं कम से कम 2, ठीक है टीवी ना हो, फोन ना हो, कुछ ना हो, आई डोंट केयर, क्योंकि इनके बगैर भी जिंदा रह सकता है, मगर रिस्क जो है घर के ऊपर जो है 2 से 3 किस्म के खाने लाजमी होने चाहिए, ये मेरा टारगेट है। और इसी टारगेट की वजह से, एक तो वो आवाजों की वजह से और दूसरी चीज ये कि आई नीड टू नो द पीपल। भाई ये रजा भाई जो आज बात कह रहे हैं ना, ये बात वहाँ सोच रहे होंगे, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में कि ये वहाँ सोच रहे थे शहजाद से उन्होंने क्या बात की, नहीं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आज की आपको बात बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से आया, अब यूनिवर्सिटी हमारी रेगुलर बुनियादों पर हो गई, घर आया रजा भाई जो अब जैसी बात मुझे नहीं पता, अल्लाह शाहिद है वहाँ क्या आपने बात की, आप क्या सोचा, यहाँ आया दोपहर में, आज डॉक्टर का विजिट भी लेके जाना था उस बच्चे की सर्जरी की, तकीन माने 6 किस्म के सालन थे और चावल उसके अलावा थे। क्या बात है यार, भाई सालन भी बताते कौन कौन से थे, हमें भूख लग रही है अभी हमने भाई, मैं आपको बता दूं भाई, तुरई जो थी वो सालन में बनी हुई थी, दाल थी, बॉयल राइस थे, और आपके बिहारी चिकन बनी हुई थी, और वो तिक्के मसाले वाली चिकन बनी हुई थी, और ब्रोस पड़ा हुआ था, और रोटी उसके अलावा थी। अच्छा मुझे जो है ना क्या कहते हैं शहजाद, कल बिहारी चिकन, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करें, कल बिहारी चिकन लेते यार जब आ रहे हो प्रोग्राम के लिए, वरना मत आना, कल मुझे बिहारी चिकन खानी है, किसी से भी लेकर आओ, खाने वाली बाजी टड्डी से जो भी है, बिहारी चिकन चाहिए मुझे कल, नाम से ही अट्रैक्टिव, क्यों मजरूर भाई, बिहारी कबाब जबरदस्त, बिहारी मटन जबरदस्त। क्या भाई यहाँ एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो अभी आपने कहा ना कि दुआ नहीं मांगते हम, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मांगते, क्योंकि उसकी सिफात में ही इतनी चीजें हैं कि वो जानता है हम उसी की इबादत कर रहे हैं। असल में नहीं रजा भाई, ये मैं जो बात कह रहे हैं ना मसरूर भाई, रजा भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह बता दो, सूरह यासीन में कहते हैं नहनु अक्रबा मिनल हक्क वरीद, मैं तुम्हारी शेरक से ज्यादा, गर्दन के पास जो जगलर वेन होती है इसके ज्यादा नजदीक हूँ, तो जब आपका ये ईमान है कि वो आपके साथ है और इतना क्लोज है, तो आप मांगे क्या उससे, वो तो सुन रहा है, ये आपकी नियत को जानता है, आपके गुमान को जानता है। मैंने मैंने अपने अंकल को कभी भी दुआ मांगते तो देखा, मगर नॉट मोर देन 2 सेकंड्स। मैंने आज तक तो उनको रब्बना तैना फिर दुनिया जैसे बोल भी करते के बाद रब्बना रब्बना 40 रब्बना सुनाते, मैंने अपने अंकल को कभी सुना ही नहीं, उन्होंने यू हाथ उठाया और यू कर दिया खत्म, मैक्सिमम 2 to 3 seconds, हालांकि पढ़ाई उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे की। ये बात मुझे इतनी पसंद आई जो अभी आपने कही कि भाई सब कुछ तो मैं वो मेरे तो शहरक से भी करीब है वो, उसको तो पता है मुझे क्या चाहिए। क्योंकि क्योंकि मैं एक बात बताऊं मसरूर भाई, इसकी फॉर्मुलेशन यूं चलती है, इस बात को हसनैन भाई गवाही देंगे कि जब वो 2 से 3 किस्म के खाने फिकवा सकता है आपके दस्तरखान पे, बशर्त ये कि दस्तरखान बिछ रहा हो या टेबल के ऊपर खा रहे हो जी, ठीक है ना, इसका इसका वजाइफ का ये बड़ा एक अजीब सिस्टम है कि जब खाना खाया जाए एक साथ खाया जाए, भले किचन में खड़े होके खाए आदमी, मगर वो इज्तमाही, क्योंकि इस्लाम का दीन है ना ये, जुज है कि इज्तमाही है, जुम्मे की नमाज है, नमाज जो है वो जुम्मे वो आम दिन में भी इज्तमा लगता है, मतलब वो क्या कहते हैं मस्जिद में इज्तमाही है, जमा करने का वो काम है, लेकिन बांटने का काम है वो, जमा वाला वो नहीं, दूसरा सिस्टम, यानी कि बांटने का काम है। चीज़ ये है कि आपके वाली साहब तो चाय भी अकेले नहीं पीते थे, अगर सुबह उठे चाय बना रहे हैं, उन्होंने कहा चाय पिएंगे पहले दूध वाला आ जाए, फिर दूध वाला आएगा वो बैठेगा घर में, फिर चाय पिएगा अंकल के साथ, दूध भी लाएगा चाय भी अंकल उसको पिलाएंगे, फिर कहेंगे हाँ आप मैंने चाय
Can you believe it? This is what I've seen with my own life every day, 365 days of the year. वो दूध वाला क्या हो गया, वो रिश्तेदार बन गया था, अंग्रेज था अंग्रेज था वो रिश्तेदार बन गया था भाई, वो तो फिर वो तो बगैर उसको इनकी चैन नहीं, इसको बगैर देखो उसको चैन नहीं, क्या बात है। 1989 में रजा भाई यही होता था। हसनैन भाई चले गए, हसनैन भाई लाइट मेरे ख्याल से चली गई है, लोड शेडिंग। नहीं नहीं बहुत उम्दा, बहुत उम्दा प्रोग्राम बना जना। बस वो आखिरी बात, आखिरी बात ट्राई कर लो, एक बात लास्ट बात, एक बात कंप्लीट कर लूं, जो अब लोग बोलेंगे कि जी तीन टाइम के खाने से, चीज़ ये है कि जो आपके घर तीन टाइम का, दो टाइम का खाना एक टाइम पहुंचा सकता है बगैर दुआ के, सिर्फ उसकी हमदो सना करके, हमदो सना है ना, या लतीफ़ो या लतीफ़ो या बिस्मिल्लाह या कहारो या जो भी है एक्स वाई जेड या कुरान रोज़ाना सफा सफ़ा पढ़ने से, चीज़ ये है कि वो उसके बाद जो है आपके जितने अबूरी मामलात हैं ना ऊपर ही, शादी से लेकर आपकी परेशानियां सब कुछ सारे मामलात वो कर देगा, क्योंकि एक बात याद रखो बाकी तमाम परेशानियां गैबी हैं, बाकी तमाम परेशानियां गैबी हैं, ये फिजिकल परेशानी है, क्योंकि रिस्क है ना, अनाज है, ये फिजिकल फॉर्मेशन की चीज है, ये फिजिकल फॉर्मेशन की चीज है, बाकी चीजें जो है वो गैबी हैं भाई, शादी नहीं होती शहजाद भाई की ना हो है ना, गैबी है ना, कोई ये तो नहीं कि शहजाद भाई किसी को बोलेंगे कि मैं भूखा हूं, सिर्फ यही बोलेंगे यार शादी नहीं हुई मेरी जी, लेकिन अगर किसी को शहजाद भाई जाके बोलेंगे मेरे घर खाने को नहीं है आज, आदमी की जमीन निकल जाती है दूसरे की, बिल्कुल हाँ। किसी के पास शहजाद भाई जाए और बोलेंगे जी मैं शादी तय हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है करवाने के, वो गैबी हो गई है, आदमी बोलेगा यार थोड़े से मैं दे देता हूँ कुछ कर लेंगे, लेकिन यही चीज वो जाके बोलेंगे जी मेरा दस्तरखान खाली है खाने को नहीं है आज मेरे पास, तो ये चीज इम्पैक्ट है, यही अल्लाह के निजाम में भी चलता है ये। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो आप ये बता रहे थे कि रिस्क में कितनी चीजें शुमार है, सब ये सब रिस्क में आता है ना, एवरीथिंग इवन द बटन यू आर वेयरिंग मसरूर भाई हैज रिस्क, पैसे से लिया जाता है खाना, खाना उसकी फिजिकल फॉर्म है पैसे की, क्योंकि वो जिंदा रखती है आपकी, और बाकी शादी हेडबैक जो भी आई डोंट केयर कैसी ही ख्वाहिश हो, एज लॉन्ग के थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट हैज टू बी द राइट थिंग, इट हैज टू बी द राइट थिंग, ये चीज है, वो सारी चीजें रिस्क में आती है भाई। वाह भाई वाह, तो मैं तो दंग रह गया, हम लोग जिसको समझते ही नहीं, समझते नहीं है ना इस चीज को, पूरी पूरी उसकी रहमत, उसकी सारी नेमतें सब रिस्क के अंदर आ गई, रिस्क के अंदर आ गई है, ये चीज है। अच्छा ऐसा है कि ये अभी आपने बिहारी चिकन की बात की ना, तो बिहारी चिकन जो है, बिहारी मटन भी बहुत मशहूर है, बिहारी चिकन बिहारी कबाब बहुत मशहूर है, तो एक लेडी है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर इज इन नॉर्थ बिहार इंडिया, तो उनका मैसेज आया है कि क्या मैं बिहारी मटन भेज दूं अगर 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 यहाँ भिजवा सके कल तक तो भिजवा दे, वी आर ओपन फॉर फूड, नहीं कल कल शहजाद भाई बिहारी चिकन लेकर आना है आपने, कल बिहारी चिकन चाहिए, और अलबत्ता जो है कल लेकर भी आना, मसरूर भाई को भी थोड़ा पहुंचा दो, थोड़ा सा चस खा ले, थोड़ा सा मसरूर भाई थोड़ा बहुत ठीक है तो खाऊंगा। आज का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़ी बड़ी जबरदस्त क्वेश्चनिंग भी आई इसमें, और एक हल्का एक सवाल था उसको हल्का सा बस एक्सप्लेन कर दें, बाकी अगले प्रोग्राम से बात करेंगे। जब आपने वज़ाइफ की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि वज़ाइफ का पार्ट मेडिटेशन नहीं है, जिक्र फिकर है, ठीक, और जिक्र का तो पता है सबको कि जो लोगों ने देखा भी है जिस तरह किया जाता है, आवाज पुकारा जाता है, साथ हमेशा आप जिक्र और फिकर कहते हो, फिकर कुछ डिफरेंट चीज है, जैसे बड़े शाहजी कहते थे मेरी फिकर की रोशनी का बहाव, फिकर खुद क्या है? फिकर जो है बेसिकली जो अब्बा कह रहे हैं मेरे फिकर की रोशनी का बहाव, जो ये है ना, ये फिकर है, ये जो सन्नाटा है ना जी, जिसको कहते हैं तदब्बुर सोच, ये सन्नाटा है, हम सन्नाटा, ये सन्नाटा जो है ये फिकर है, वो सन्नाटे की आवाज है, वो जो सोच, वो जो सन्नाटे की, हाँ वो फिकर है, वो सन्नाटा है,
क्योंकि लोग समझते हैं जी आवाजें आती हैं मगर सन्नाटे में आवाज आती है, शोर में नहीं आती। अगर आप नोटिस करो, नोटिस करो कि क्या कहते हैं उसको, जब कॉलर आता है बीच में इंटरफेरेंस होती है, मैंने कहा मेरे से बात नहीं होगी क्योंकि मेरा सारा इल्म आवाजों पे बेस करता है। अच्छा, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं इसके ऊपर, मेरी तरफ से एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, अगर मौसीकी चल रही हो तो बहाव बहुत अच्छा होता है, मसरूर भाई को पता है डैड। ये आपके वाली साहब भी कहा करते थे, मसरूर घंटों की बरसों की इबादत जो है वो सेकंडों में वहां पहुंच जाता है आदमी म्यूजिक के। हाँ, सुर में हो, सुर में हो, सुर में, हाँ सुर में हो। कहा करते थे कि जो हिंदू मजहब में जो ये शंख बजाते हैं, शंख, हाँ जी, वो साउंड उसकी उसकी बड़ी अहमियत है उसमें स्पिरिचुअलिज्म, साउंड जो ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हम लोग सब वक्त के हिसाब से भूल भाल गए पब्लिक। हम तो बस मैं वही कि भाई कि पैंचा ऊंचा कर लो, दाढ़ी बड़ी कर लो, कुर्ता इतना हो, बटन तीन हो, आस्तीन ऊपर रख के नमाज ना पढ़ो, नीचे कर लो, अबे कौन देख रहा है यार, ठीक है ना, ये चीज है ना। क्या बात, सुर में होना जरूरी है, सुर में, सुर में, वो तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे कहते थे अगर सुर में नहीं होगा तो मलाइका नीचे नहीं आएंगे भाई। अब इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है, किसी को आप समझा सकते हैं कि सुर चाहिए मलाइका को आने के लिए? बस अब क्या समझाएं किसी को, लोग समझते हैं कि जी आमिल चाहिए मलाइका को बुलाने के लिए, बताइए आजकल का दौर ये आ गया है, लेकिन सोच है, अच्छा, अपनी अपनी अप्रोच है। रजा भाई आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, आज धुआंधार था, आज धुआंधार था, आज 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 मुझे अंदाजा हो रहा है द प्रोग्राम वॉज गुड, द प्रोग्राम वॉज गुड। नहीं माशाल्लाह, आपकी भाव से हम लोगों ने बहुत फायदे उठाए और हमारे सुनने वालों को वाकई वाकई बड़ा मजा आया होगा और इसको वो लोग रिपीट करके फिर सुनेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें सेकंड टाइम ज्यादा समझ में आ रही हैं। और तो इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ मसूर भाई, लव यू, लव यू, अल्लाह ताला ब्लेस यू इंशाल्लाह नेक्स्ट। अच्छा वो मैं ऑफ एयर बता दूंगा क्या करना है, वो जो है करना क्या है वो आपको याद है, सिर्फ कंफर्म कर दूंगा ना। जी शहजाद भाई, अभी तो रैप अप है, मैं अपने अपना ऐलान कर लूँ फिर उसके बाद आप अपने खेलते रहना। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो ये कि ऑफ एयर होंगे तो खाना खा लिया आपने? नहीं। चलो ठीक है, फिर खाना खा लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वजीफा करके आई थिंक सिस्टर ज़ायरा नज़र नहीं आ रही, शुक्र नज़र नहीं आ रही, आई डोंट वांट टू सी हर कहीं पे ना, नज़र ना आए मुझे बस। शाम हो गई है ना, जब मैं उठूँ तो वो नज़र ना आए, ठीक है ना, और जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे पक्का पता हो कि वो मौजूद है, तो फिर मुझे इत्मीनान रहेगा। वो अपनी अपनी टीमें तैयार कर लें प्रोग्राम के, अभी बज रहे हैं 7:15, 8:09, 2:30, समझ लो कि 2-3 घंटे बाद, 3 घंटा कर लो कि आराम से खाना खा लूँगा ज़रा सुकून से बैठ के। अब वो तो है नहीं, क्या चिकन बिहारी, बिहारी चिकन, बिहारी चिकन, तो मैं जब मैं खा लूँगा जो कुछ है, आपका सालन रखा हुआ है वही खाना है क्योंकि मिर्चें मज़ा ही आ गया। मैं खाना खाना है, फिर वजीफा करना है, तो फिर रात में जो है वही ऑफ एयर कॉलिंग जैसे होता है कि, मगर मैं लूँगा 2 घंटे सिर्फ आज, क्योंकि मुझे रात को, आज जुमेरात है, मुझे पढ़ाई कर रही है कुछ लेट नाइट ना, किसी का कोई मसला बन गया है और मुझे 12 बजाने हैं और उसके बाद मैं कर सकूँगा, ठीक है ना। तो 2 घंटे 9 बजे के बाद लेंगे कॉल इन? हाँ 2 घंटे 9 बजे के बाद, अभी हो रहे हैं 7, 2 घंटे नहीं 3 घंटे, 3 घंटे, 2 मैं ग्रुपों रेडी रहें 2 घंटे के बाद, बाकी मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि वो यहाँ पे बेचारी मिद बलोच मिलाती रहे, देने वाली सरकार और दूसरे तीसरे, मैं आ जाऊँगा तो 2-2.5 घंटे के बाद जो है 2.5 और 3 के बीच में मैं आ जाऊँगा ऊपर, तो मैं आप लोगों को वो कर दूंगा मैसेज वगैरह, सो जस्ट कम इट, बस फिर वो कॉल है। 2 घंटा लूंगा लेकिन, क्योंकि मुझे 12 के बाद पढ़ना है कुछ किसी के लिए ना, कोई मसला बन गया तो मसला हल हो जाए, ये चीज़ है। और बाकी ये कि क्या कहते हैं उसको, मैं एक और बात बता दूं कि मिद्दा बलोच ने कॉल कर कराई थी, वो भी सुन लेंगी, मिद्दा बलोच नहीं होगा तो लिंक शेयर कर देना या कोई सुना दे। देखें मैं किसी के काम में हाथ नहीं डालता, ना मैं पसंद करता हूं कोई मेरे काम में मुदाखलत करे, ठीक है ना, ये बात मिद्दा बलोच आगे पहुँचा दें उनको, और
अगर इस तरह बार बार होता रहा तो मैं आई विल ड्रॉप द मैं ड्रॉप सीन कर दूंगा उस चीज का। बहुत सारे लोग बाहर जाके दम दुरूद करा लेते हैं, ये वो कराते रहे, कोई मना नहीं है, लेकिन हमारे वजीफे अगर कर रहे हैं, कोई कर रहा है और वो बाहर से दम दुरूद, वजीफा खुद ब खुद जो है मैं क्या कहते हैं बाखबर से सिर्फ अखबार बना दूंगा उसको। वो बाखबर है ना, आपको खबरें देता है, प्रोवाइड कर रहा है, वो बिल्कुल अखबार बन जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, डोर से आप आउट हुए इस दरवाजे से ना, तो आपका वजीफा ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर बन जाता है। न्यूज़पेपर आपने तो देखा है और बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और मैं एक बात बता दूं कि ये डोर वेरी सून ऐसे होने वाला है कि वन वे ट्रैफिक होगी, सिर्फ अंदर आने की जगह होगी, बाहर वो बाहर जाने की जगह होगी, अंदर नहीं आ सकोगे फिर आप, क्योंकि वो हो रहा है ना जिस तरह बिजी। अब अच्छा एक और पीच ग्रुप भी बन गया है, पता नहीं आप पीच ग्रुप भी बन गया, मैंने देखा है अभी पीच ग्रुप भी बन गया है। और ये आइडिया किसका था पता नहीं, किसने बताया था? नहीं, सिस्टर ज़ायरा से तो रात को बात नहीं करता मैं, शाम के बाद मैं बात ही नहीं करता उनसे, मेरे लिए वो ब्लॉक है। शाम में मैं अलबत्ता मैं जब उठा करूंगा ना उनको ब्लॉक कर दूंगा और सुबह सोने से पहले उनको अनब्लॉक कर दूंगा कि झगड़ा खत्म रह जाए ना जी। ये चीज है क्योंकि एक मैं बात बता दूं कि अभी तो 3 दिन में एक और ग्रुप बन गया है, अब आइंदा के 30 दिन देखना क्या होने जा रहा है। अब देखो तो क्या करता हूँ मैं, अभी तो मैं I haven't even started लेकिन ये सब आप लोगों की मेहरबानी है, स्कोर वाली बाजी की मेहरबानी है, स्कोर वाली बाजी में वो स्कोर बाजी कहाँ से आ गई स्कोर। एक काम करो, कल शहजाद भाई हाइलाइट्स की वीडियो चढ़ाएंगे, पता नहीं लास्ट वीक भी कम थे ना कुछ, है ना 15 थे लास्ट वीक, वाकई कम थे। हाँ इनको पता नहीं था कि आप चढ़ा रहे हो, इस जुम्मे को चढ़ाएंगे तो मेक श्योर कम से कम वीडियोस तो कम से कम पहले वाली हो, ठीक है ना। अच्छा आपने एक और काम करना है, जब आप उनको वहां चढ़ा रहे हो ना YouTube पे, क्योंकि सर्वर में डाउनलोड हो रहा है, Facebook पे भी डाल दो मेरे वाले पे, ठीक है मेरे वाले पे और हंगामा पे, क्योंकि शेयर वीडियो ही है ना, क्या है कौन सा कोई खर्चा तो नहीं हो रहा ना, उधर तो बल्क चली जाती है ना, 30 वीडियो जाती है, और छोटी छोटी वीडियोज हो तो ज्यादा इम्पैक्ट है, 1 मिनट 1 मिनट 20 छोटी छोटी क्लिप्स हो बस वो शेयर कर दो, डजंट मैटर अबाउट द क्वालिटी और वट एवर थंबनेल। ये स्कोर, ये जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यानी कि सियासी बयान अल ऐलान कह रहा हूँ, ये आप लोगों की जगह है, डू वट एवर योर थिंक इज राइट, डू वट एवर योर फील लाइक डूइंग, दैट्स इट, ठीक है ना। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, डू द राइट थिंग एंड हेल्प ईच अदर, उनके अगेंस्ट मत जाओ किसी के, जहाँ आप अगेंस्ट जाओगे किसी के भी, अब मैं एक बात बता दूँ, कारपेट वाली बाजी है, अगर ये समझ लो हशर नशर के अगेंस्ट गई अंदर अंदर, तो समझ लो ये मेरे अगेंस्ट जाएंगी, अगर हशर नशर क्या कहते हैं इप्सविच के अगेंस्ट जाएंगी तो समझ लो ये मेरे अगेंस्ट जाएंगी, क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है कि मैं जो किसी को अपनी ऑपोजिट बनाऊं, तो ये मेरे अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि इप्सविच भी उतनी अजीज है जितनी कारपेट अजीज है, दोनों बराबर है मेरे लिए। अब ये अलग चीज है कि इप्सविच यहाँ से खाना बेचती है, कारपेट जो है वो कारपेट के ऊपर फिरती है, वो एक अलग चीज, अजीज दोनों है मुझे। जब तक जो आदमी इस प्लेटफॉर्म पे, ही शुड बी ट्रीटेड राइट, जब नहीं है तो फिर नहीं है, खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखो कोई चीज हमेशा नहीं रहती सिवाय उस ज़ाते पाक के। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ शहजाद भाई, अब आप जानो आपका काम, आई डोंट वांट टू नो यू। बाकी ये है, लास्ट में कल मैराथन होगा दरवेश ऑनलाइन, तो इस्तखारा भी कल जिसने करवाना है वो कल के उसमें कर सकते हैं। हाँ कल कुरान रख के बैठेंगे, और कुरान का कल वजन भी नहीं होगा आपको। हाँ कल जैसे वजन होता है ना, यहाँ रखने से वजन महसूस होता है, अब वजन होता है, अब वजन नहीं होगा। हाँ सही, वजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही कुरान से होगा कल, ठीक, यानी कि हम कोशिश करेंगे जो शादी वाले लोग हैं ना, जो हाँ या नहीं में चाहते हैं, जिनके रिश्ते आ चुके हैं, वो करेंगे नो कनेक्ट कॉल। मेरे ख्याल से मिद बलोच के पास 2 हैं, पता नहीं वो 1-2 ही हो, बस ये ना हो कि पूरे टोला ले आओ, तो वो नहीं। कनेक्ट कॉल्स वी विल अवॉइड इन लाइव शोज, लाइव शो में अवॉइड करेंगे, ऑफ एयर रात को फिर वो कल दोबारा, कल तो दद्दा भी यहाँ होंगे कल, लेकिन ऑफ एयर कॉलिंग का साथ ये भी देखना है, क्योंकि आबिद सोमरो भाई से भी बात हुई है, तो वो क्या कहते हैं जूम पे नहीं, कल हमारी किताब, कल रात हम छुट्टी करेंगे,
सैटरडे को ले लूंगा कॉल्स, जी सैटरडे नाइट को। कल जो है कल कल जी, छुट्टी कल वो करते हैं कर कॉल से, देते कल छुट्टी, कल वो किताब को हम फाइनल कर देंगे, कल फाइनल है किताब, जी कल हम कल फाइनल कर फाइनल है। देंगे। और क्या कहते हैं उसको, अब उसके अंदर जो है ठीक है, बाकी बातें कल कर लेंगे ना जब आओगे, अभी तो जी खाना खा ठीक लें यार। है, ठीक है एवरीवन, फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, अच्छा वो कल चिकन बिहारी इंशाल्लाह का आप एक लोगों मिनट से। मैं जी एक बात बता दूं ना, चिकन बिहारी का जो है, अगर कोई चिकन बिहारी जानता है, क्योंकि इंडिया के बहुत लोग हैं, वो प्लीज़ सिस्टर ज़ायरा को रेसिपी बता दें, मगर सिस्टर ज़ायरा नमक कम, ठीक है ना, बाकी सब तो ठीक है ना, ठीक ये है चीज़ है कि ये कर लें तो सिस्टर ज़ायरा, सिस्टर ज़ायरा को सही है, रेसिपी बता दें चिकन बिहारी। ठीक है दिल चाह रहा खाने का, पता नहीं क्यों नाम सही है ना, बिहारी चिकन, बिहारी चिकन, बिहारी चिकन, बिहारी बिहारी गोश्त चिकन, होता है सही। लेकिन बिहारी चिकन की बात ही और है। खाया है मैंने बिहारी गोश्त, ठीक खाया है लेकिन बिहारी चिकन नहीं खाई है, पता नहीं हड्डी होती है नहीं होती, होती होगी, ठीक है ना भाईजान, होती होगी, नाइस तो नोइंग यू। ठीक है, ठीक है एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय अच्छा बाय, बाय इंशाल्लाह बाय, आप लोगों से कल मुलाकात होगी दरवेश ऑनलाइन में। ब्रेक के बाद।